गजराज मणिराज अवतार मणि प्रबल पाषण तमोहरण भानु विजयी भव विजयी भव। श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन गोप पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मत निवार सुमत के संगे कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्र ध्वजा विराजे स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र जी के काज सवारे आए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष गुर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समवाए सहस बदन तुम रोज सगावे हस तहि श्रीपति कंठ लगावे संयुक्तादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित यहि साजन कुबेर पाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुबी वही कीना नाम मिलाए राज तक दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना दुख सहस्र योजन पर मानो लील्यो काज मधुर फल जाना तब मोती का मेल मुख माई जलज नाग गय अचरज नाई गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई कट कट मिटे सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महा सुख जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गोरे सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाम
नाथ हृदय मारेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुर भूपतियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गुरु वैष्णव संतन की जय जय सीताराम हरि ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागुं सुरेशा करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे सयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री कृष्णचंद्राय नमः हरिः ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हरिः ओम गंधद्वारां दुरादर्तां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवैश्रियं गंधं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां ओमकदीः प्रतिमोदकं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वानी वसजितमरी बेरुदा पारेष्णमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हरिः ओम यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्मरुक्मभ्यामोहत सवितराणि तृणाय मेले अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदस्य राकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्धं भूतं सरश्यमादापयभट्टनाथ श्रीभक्तिशारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्तरङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं गुरुमुखमनदीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपति परिग्लिप्तं शुल्कमादातु कामा ससुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् निजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगि पुङ्गव महापूर्णो मुनिम्यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडतेषिणं सेने सन्द्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं सन्द्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविभेदबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रम् वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमादिभयङ्करार्यं साण्डिल्याभयवंसवारिदविदुं श्रीगोसलेशार्चकं विश्वक्षेण यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधपरे श्रीवासुदेवे रतम्
वंदे वंदे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयान्नित्यश्रीनित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने शौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे बाधिभीतिकराचार्य नित्यश्रीनित्यमङ्गलं जयत्तिराजफणिराजवतारमणि प्रबलपाशन्नतमोहरण भानो विजयी भव। दंपति की आरती उतारूं हे अली दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली राज नंद जू को नार प्रिस्भान की लली राज नंद जू को नार प्रिस्भान की लली दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली दीप दंपति की आरती उतारूं पदनक मणि चंदे का की उज्ज्वल प्रभा पदनक मणि चंदे का की उज्ज्वल प्रभा नील पीत पट फटी नह मन को लुभा नील पीत पट फटी नह मन को लुभा कटी कोचली की शोभा अति लगत भली कटी कोचली की शोभा अति लगत भली दीप दंपति की आरती उतारू हे अली दीप दंपति की आरती उतारू हे अली शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के अंग अंग दिव्य भूषण देखनक मणि के अंग अंग दिव्य भूषण देखनक मणि के सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली चित पर मुस्कान प्रेम रस बरसे चित पर मुस्कान प्रेम रस बरसे हर से नारायण ने चरण पर से हर से नारायण चरण पर से जय 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 कई बर से देवता सुमन अंजलि जय जय कई बर से देवता सुमन अंजलि सुमन अंजलि जय 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 कई
अर्पण अंजलि। उदीप दंपति की आरती उतारू हे अलि, दीप दंपति की आरती उतारू हे अलि। राजे नंद जो कोलार विष भांग की लली, राजे नंद जो कोलार विष भांग की लली। उदीप दंपति की आरती उतारू हे अलि, दीप दंपति की आरती उतारू हे अलि। आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्धिक्यग्रहणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्रीकृष्णचंद्राय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्रीमद भागवत ज्ञान महायज्ञ की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, अपने अपने यथास्थान विराजमान हो जाएं। मंच पर मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से हम सब लोग भगवान की पावन कथा श्रवण करें। इससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा श्री राम खिलावन शर्मा जी से, वो आए पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शीतलेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। श्री कमलेश शर्मा जी आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। श्री चेतन अग्रवाल जी आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। एवं श्री नवीन अग्रवाल जी आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा समस्त समर्थ शर्मा परिवार से, वो मंच पर आकर के पूज्य स्वामी को पुष्पहार भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद शर्मा जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी शर्मा परिवार के सभी सदस्य आपसे निवेदन, आप मंच पर आकर पूज्य स्वामी को पुष्पहार भेंट करें।
गंगाधर। आइए इस क्रम को यहीं पर विश्राम देते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर निवेदन करें। हम सबको भगवान की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरा ब्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्दनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतपपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्यावयवंशमारितविदुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे
नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं, श्रीराधाकान्तस्मरणं, सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 भज राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गुरु श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति श्री मोहनलाल शर्मा जी सपरिवार सपरिकर उनके समस्त बंधु बांधव दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस पवित्र सत्र का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है। आज भगवान की कथा विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। बस भगवान की कथा विश्राम लेती है और समय पाकर के फिर चल पड़ती है। यहाँ विश्राम करेगी और कहीं फिर कथा चल पड़ेगी। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां ही सुने ही बहुविधि सब संता। हम अपनी वाणी से अपने प्रयास से और अपने जीवन में प्राप्त समय में भगवान के संपूर्ण चरित्र का कभी पार नहीं पा सकते। फिर भी हम भगवान के चरित्र का जितना चिंतन करते हैं जितना अनुभव करते हैं उतने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम का चरित्र तो अनंत है, राम चरित अति सागर थाह की पावे कोई। भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र समुद्र है, उसका कोई थाह नहीं पा सकता। तो फिर हम सुनते सुनाते कितना है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संतन सन जस कछ सुनी तुम्हें सुनायो सोए। संतों से हमने जो सुना वही आपको हमने सुनाया। तो इसका फल तो कहते हैं भगवान के चरित्र का तो अंत हम पा नहीं सकते, फिर भी हम जितना भगवान के चरित्र का वर्णन कर लें श्रवण कर लें उतने से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, हम पवित्र हो जाते हैं। निज किरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो। निज किरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार पारित पार कवि मोले पार पार दिपार कवि कोने लहो। गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हमने भगवान के जस का गान किया। राम चरित अपार बारिधि, भगवान का चरित्र क्या है, बोले अपार समुद्र है। इस समुद्र को हम पार नहीं कर सकते और न इसकी थाह लगा सकते, तो कर क्या सकते हैं, बोले इसी में तैरते रहो बस। समुद्र में तैरा ही जा सकता है, तैर करके जितना हम आनंद पालें
यही हमारे अंश में। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणि ग्रहण किया, रुक्मिणी जी का भगवान ने हरण किया, हरण करके ले आए और फिर द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी के साथ भगवान को देखकर द्वारिकावासी बड़े आनंदित हुए। द्वारकायाम अभूत राजन महामोदपुरौ कसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी जी के साथ देख करके द्वारिकावासी बड़े आनंदित हुए। ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ और श्री रुक्मिणी जी साक्षात भगवती महालक्ष्मी हैं। कृष्णावतार में लक्ष्मी का अवतार भगवती रुक्मिणी है। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी अन्येष्वतारेषु विष्णुरेषा न पायिनी देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी। रामावतार में भगवती महालक्ष्मी सीता जी के रूप में प्रकट और कृष्णावतार में भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। इसके बाद भगवान के और भी अनेक विवाह हुए। 16108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के संपन्न हुए। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, फिर रुक्मिणी जी के साथ भगवान गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। अग्निहोत्रादि जो गृहस्थों का धर्म है उस धर्म का विधि पूर्वक भगवान पालन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, बलि वैष्णदेव करते हैं, पितरों का यजन करते हैं। समय आने पर भगवती रुक्मिणी गर्भवती हुई, अंतर्वत्नी हुई और रुक्मिणी जी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्र मन्युना। भगवान शंकर ने जिस कामदेव को भस्म कर दिया था, कामदेव अनंग हो गया, उसका अंग नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया। बिना शरीर के ही कामदेव सबको प्रभावित करता था, इसीलिए कामदेव का एक नाम अनंग पड़ गया, जिसके कोई अंग न हो, अनंग। कामदेव की पत्नी रति देवी ने कहा प्रभो मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान शंकर ने कृपा करके अनुग्रह किया। भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति कामदेव ही कृष्ण भगवान के पुत्र बन करके प्रकट होंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। तुम्हारे पति कृष्ण तनय बन करके, कृष्ण पुत्र बन करके प्रकट होंगे। तो कामदेव ही भगवान के पुत्र बन करके प्रकट हुए, इनका नाम प्रद्युम्न हुआ है। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था, उसको वरदान था कि वो कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। तो भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ तो संबरासुर दैत्य ने अपनी माया के द्वारा प्रद्युम्न जी को प्रसूतिकागार से ही उठा लिया। बड़ा मायावी था, बोले द्वारिका में इतने लोग थे, इतनी बड़ी व्यवस्था थी, फिर भी पुत्र को प्रसूतिकागार से वो असुर ले गया और द्वारिकावासी कुछ नहीं कर पाए। बोले सब भगवान की ही लीला थी, क्योंकि भगवान को मालूम है कि प्रद्युम्न के द्वारा ही संबरासुर का वध होगा, तो संबरासुर स्वयं जो जो कुछ करेगा वो सब उसके वध में ही कारण बन जाएगा। संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ा मत्स्य था, उस मत्स्य ने, मछली ने
प्रद्युम्न जी को निगल लिया। पेट में जाने के बाद भी प्रद्युम्न जी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ये भगवान के अंश हैं। संयोग से उस मछली को मछुआरा लेकर के संबरासुर दैत्य के घर पहुंचा। उपहार के रूप में वो मछली भेंट किया। तम संबराय कैवर्ताम उपाजन्हर उपायनम सूदा महानसम नीत्वा वद्यन स्वधितिनाद्भुतम। उस मछली को ले जाकर जब रसोई घर में संबरासुर दैत्य के रसोईया ने अपना काटना पीटना शुरू किया कि इसको अपना बनावे रसरों को खिलाने के लिए, राक्षसों का तो यही सब धर्म था। उस मछली का जब विशेषण किया तो मछली के पेट से जीवित बालक निकला। वो रसोईया बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, सोचा इस बालक को क्या करें। तो वहीं संबरासुर दैत्य के घर में ही मायावती नाम की एक महिला रहती थी। वो मायावती कोई और नहीं थी, स्वयं रति देवी थी, कामदेव की पत्नी। भगवान शंकर ने मायावती को कहा था संबरासुर दैत्य के घर में ही तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो। रसोईया ने उस बालक को ला करके मायावती को दे दिया। मायावती तो जान गई ये मेरे पति हैं। और फिर मायावती ने उस बालक को अनेक प्रकार की औषधि खिलाकर, अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके, वो मायावती भी बड़ी योगिनी थी, साक्षात रति देवी थी, कामदेव की पत्नी। तो नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवन, कुछ ही दिनों में मायावती ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को जवान बना दिया, रूढ़ यौवन हो गए। सातम पतिम पद्मदलायते क्षण प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम सब्रीडहासोत्तभित भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः। जब प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गए तो मायावती ने अपने प्रेम का प्रणय का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी को तो यही लग रहा था कि ये मेरी माँ है, क्योंकि जब उनको होश आया तो उन्हीं को देखा, मायावती को। तो प्रद्युम्न जी को तो लग रहा था कि ये मेरी माँ है। तो प्रद्युम्न जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मायावती से कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़ करके कामिनी जैसा, पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करती हैं आप? तो मायावती हंसने लगी और मायावती ने कहा, महाराज आप मेरे पुत्र नहीं हैं, मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब तो मायावती ने कहा कि भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात, संबरासुर ने आपका हरण किया था और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं और आप साक्षात कामदेव हैं। अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। सारा वृत्तांत जब मायावती ने कहा तो प्रद्युम्न जी महाराज को सब कुछ स्मरण हो गया। उसी समय प्रद्युम्न जी महाराज के सारे अस्त्र शस्त्र उपस्थित हो गए। ये भगवान के अंश हैं, भगवान की विभूति हैं। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही ससुर का वध होगा, आप इसका वध करें और फिर हम लोग यहां से द्वारिका चले। फिर तो श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने उस संबरासुर दैत्य को ललकारा। संबरासुर से प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ और श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। द्वारिकापुरी में परम आनंद हुआ। रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हो गईं अपने पुत्र को देखकर और पुत्र वधू को देखकर। अब इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के अभी और बाकी विवाह आगे होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, अब भगवान के विवाह शुरू हो रहे हैं आगे। और कितने विवाह? बोले अभी तो 16,107 विवाह बाकी। सुखदेव जी कहते हैं उसी समय द्वारिकापुरी में एक क्षत्री थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि और उस मणि की विशेषता थी
कि सत्राजित उस मणि की पूजा करने के बाद जब पुष्पांजलि अर्पित करते थे तो उस मणि के अंदर से 10 भार सोना रोज प्रकट होता था और उस 10 भार सोना से सत्राजित अपने वैभव का विस्तार करते थे। उनका सब वैभव सुख सुविधाएं उसी से संग्रहित होती थी। धीरे धीरे सत्राजित का वैभव बढ़ने लगा, चारों तरफ चर्चा होने लगी, सत्राजित के पास तो बहुत धन है, बहुत धन है, प्रतिदिन इतना सोना उनके घर में प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की सभा बुलाई। द्वारिकापुरी की जो राजसभा है उसका नाम सुधर्मा सभा है। सुधर्मा सभा बुलाई गई और सुधर्मा सभा में जितने सभासद थे उसमें सत्राजित भी एक सभासद थे, भगवान श्री कृष्ण भी सदस्य थे उस सभा के। भगवान श्री कृष्ण ने उस सुधर्मा सभा में खड़े होकर के उद्बोधन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित के पास एक मणि है जो मणि प्रतिदिन सोना देती है और ऐसी मणि, बहुमूल्य मणि, राजा के कोष में होनी चाहिए, इसलिए सत्राजित से मैं कहूंगा कि ये मणि राजा के कोष में, राजकोष में जमा करवा दो। ऐसी मणि इनके पास रहना ठीक नहीं है, उस मणि के कारण कोई भी उपद्रव हो सकता है, कोई भी अनिष्ट हो सकता है, अनेक राजनीतिक कारण भगवान ने बताए, लेकिन सत्राजित माने नहीं। सत्राजित ने कहा, मैं अपनी मणि नहीं दूंगा, सूर्य भगवान ने हमको मणि दी है। तो भगवान ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, फिर इस विषय में वार्ता करेंगे। राजनीति में तो वार्ता का दौर चलता रहता है, आज नहीं तो कल समाधान निकलेगा। कितने दशक बीत गए पाकिस्तान से भारत को वार्ता करते करते, लेकिन अभी वार्ता का दौर खत्म नहीं हुआ, चलती रहती वार्ताएं, आज नहीं कल कोई समाधान निकलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उस बात को वहीं छोड़ दिया और कहा, फिर कभी इस विषय पर चर्चा होगी। और संयोग ऐसा कि सत्राजित के भाई प्रसेन ने सत्राजित से कहा कि भैया वो मणि आप मुझे दे दो, उस मणि को अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ मैं शिकार खेलने जाऊं तो मेरे मित्रों के बीच में मेरी महिमा प्रकट होगी, मेरा गौरव होगा। भाई के कहने पर सत्राजित ने वो मणि दे दी। प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गए। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और वो मणि ले ली। मणि लेकर के सिंह चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला और वो मणि रीछ लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आए। सत्राजित को संदेह हो गया कि कृष्ण मणि मांग रहे थे और मैंने मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली। इस प्रकार की बात जब सत्राजित ने की तो बात तो फिर एक बार जब निकलती है मुंह से तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती। दीवाल के भी कान होते हैं, कहते हैं ना, अगर बात आपने कही, किसी से भी कही, तो बात कभी न कभी फैल ही जाती है। बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची और भगवान कृष्ण ने फिर सुधर्मा सभा बुलाई और सुधर्मा सभा में भगवान ने इस विषय को रखा कि सत्राजित को संदेह है कि मैंने मणि ली है लेकिन मणि मेरे पास नहीं, लेकिन जब तक मणि का पता न लग जाए तब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब पता ही नहीं है कि मणि कहाँ है तो संदेह होना स्वाभाविक है, इसलिए इस आरोप को मैं स्वीकार करता हूं और जब तक मणि का पता नहीं लग जाएगा तब तक मैं सभा में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। सभा की सदस्यता छोड़ करके भगवान चल पड़े। ऐसी शुद्ध और पवित्र राजनीति होती थी। आज आरोप पर आरोप लगे हों, कितने मुकदमे हों, फिर भी व्यक्ति मंत्री बनकर के आनंद लेता रहे। झूठा आरोप लगा भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान ने सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया, क्योंकि वो सुधर्मा सभा थी, विधानसभा नहीं थी, लोकसभा नहीं थी, सुधर्मा सभा थी। सुधर्मा का मतलब जहां धर्म का पालन होता, सुंदर धर्म के अनुकूल सारे कार्य और निर्णय लिए जाते थे, ऐसी सुधर्मा सभा थी।
भगवान ने सदस्यता का त्याग कर दिया और चल पड़े पता लगाने के लिए। सेवकों को लेकर के जंगल में गए, ढूंढा है, प्रसेन का शरीर मिला, छत बिक्षत, मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा, महाराज लगता है किसी सिंह ने इनको मारा है और वो मणि सिंह ही ले गया होगा। इस प्रकार ढूंढते हुए आगे पहुंचे तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा, लगता है किसी रीछ से इसका युद्ध हुआ है, क्योंकि रीछ के शरीर के बाल यहाँ गिरे हुए हैं। उस युद्ध में एक दूसरे के ऊपर लोगों ने प्रहार किया होगा, तो रीछ के शरीर के बाल यहाँ गिरे हैं, उसके पंजे के निशान हैं। उस चिन्ह को देखते हुए भगवान सेवकों को लेकर के आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। सेवकों को द्वार पर ही खड़ा कर दिया कि यहीं तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जा रहा हूं भीतर। सेवकों ने कहा, आपका अकेले जाना ठीक नहीं। भगवान ने कहा, नहीं चिंता मत करो, यहीं प्रतीक्षा करो, मैं लौट करके आऊंगा। सेवकों ने कहा, महाराज कब तक प्रतीक्षा करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में जाकर के सूचना दे दे। भगवान की आज्ञा मान करके सेवक लोग द्वार पर खड़े रहे। भगवान उस गुफा के अंदर गए हैं। भीतर जाने पर वो गुफा बड़ी दिव्य थी, उसमें राज महल जैसी साज सज्जा थी और एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। उस कन्या का पालन पोषण करने वाली जो महिला थी वो भी वहीं खड़ी थी। उस महिला ने भगवान को जब देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवत् तच्छुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनां वरः। वो महिला जब जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया, तब तक भीतर से गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ निकल करके आया और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का उस रीछ के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कभी भगवान उस रीछ को पटक देते, कभी वो रीछ भगवान को पटक देता। मुष्टिका से, लात से, हाथ से, घूंसा से, कोहनी से, सब प्रकार से युद्ध हुआ। 28 दिन तक लगातार भगवान श्री कृष्ण का उस रीछ के साथ युद्ध चलता रहा। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत अष्टाविंशाहम इतरेतर मुष्टि भी, एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करते हुए 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। 28वें दिन उस रीछ की शक्ति घटने लगी। अंत में उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई और रीछ ने देखा भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण का चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह, इन सारे चिन्हों को देख करके वो रीछ जान गया कि ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर करके उसने प्रणाम किया और कहा कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम। हे भगवन, मैं जान गया आप सर्वात्मा हैं। विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु अधीश्वरम, आप साक्षात नारायण हैं। इस तरह कहते हुए उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। भगवान श्री राम की बानरी सेना में जो सेनापति थे जामवंत, मंत्री अति बूढ़ा अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज। 28 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण से इनका युद्ध चला। 28वें दिन चरणों में गिर करके श्री जामवंत जी ने प्रार्थना की, प्रभो मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत जी आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। अरे कौन सी कामना? जामवंत जी ने कभी कामना की थी त्रेता युग में? क्या कामना? बोले जब रावण का वध हो गया था, सब वीर अपनी अपनी गाथा सुना रहे थे कि हमने उस राक्षस को ऐसे मारा। उस बानर ने कहा कि हमने उस राक्षस को ऐसे मारा। तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी आपने कुछ नहीं सुनाया? जामवंत जी ने कहा, महाराज इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी वीरता प्रकट करने का मौका ही नहीं मिला।
इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी वीरता प्रकट करने का मौका ही नहीं मिला। भगवान ने पूछा क्यों? जामवंत जी ने कहा मेरे समकक्ष कोई वीर ही नहीं था, मैं किससे युद्ध करता? रावण आपका शत्रु और रावण को मारने का यश आपको मिलना था तो मैं युद्ध किससे करता? तो मैंने तो अपनी कोई वीरता दिखाई नहीं तो मैं क्या बताऊं? अगर आप मेरी वीरता और मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप ही मुझसे युद्ध करिए तो मैं दिखाऊं फिर। और कोई वीर तो हमारे समकक्ष है नहीं, आप महावीर हो। जय जय महावीर महाधीर धौरेय। तो आपके साथ हमारा युद्ध हो तब हम अपनी कला दिखावें। तो भगवान हंसने लगे। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा जामवंत जी ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में आनंद के लिए, प्रमोद के लिए, विनोद के लिए मैं अपने से बड़ों के साथ युद्ध करूं ये मर्यादा नहीं है, लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। कृष्णा अवतार में जब मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा उस समय ऐसी कोई मर्यादा नहीं होगी, उस समय मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। जामवंत जी की उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने युद्ध किया और 28 दिनों तक जामवंत जी युद्ध करते रहे। जामवंत जी महाराज की हड्डी हड्डी असली पसली सब हिल गई महाराज 28 दिन में युद्ध करते करते। भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान तो अविकाराय शुद्धाय, भगवान तो अविकार हैं, उनमें कोई विकार हो ही नहीं सकता। लेकिन जामवंत जी महाराज को लगा यहां किसी से पाला पड़ा है। फिर तो जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की, बोले महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने आपको आपसे युद्ध किया, आपके ऊपर प्रहार किया। फिर तो भगवान ने कहा जामवंत जी मैं किसी प्रयोजन से आया हूं। जामवंत जी ने कहा क्या प्रयोजन है? भगवान ने कहा ये मणि जो है इसी मणि के लिए मैं आया हूं, इसकी चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है, इसी का मैं पता लगाने के लिए निकला हूं। जामवंत जी ने कहा प्रभु इस मणि को मैंने अपने पुरुषार्थ से उस सिंह का वध करके इस मणि को प्राप्त किया है, ये मणि तो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा भी एक निवेदन है। भगवान ने कहा क्या निवेदन है? जामवंत जी ने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, अब मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहां जाऊं, और ढूंढने जाऊं भी तो आपसे सुंदर कोई वर मिलेगा नहीं त्रिभुवन कमनीय, तो आप कृपा करो मेरी कन्या का पाणि ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज में दे देता हूं, आप ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, ये तो कृष्णा अवतार है, यहां तो कोई भी आओ, चाहे भालू की बेटी आओ चाहे बंदर की बेटी आओ, ठाकुर सबसे ब्याह कर लेते हैं। क्यों? बोले पिछले अवतार का बड़ा कट अनुभव है भगवान का। क्या कट अनुभव है? बोले वो आई थी सूर्पणखा, सज धज करके आई, श्रृंगार करके, सुंदर रूप बना करके भगवान के सामने और कहने लगी प्रभो मुझसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी, सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। भगवान को देख करके सूर्पणखा विकल हो गई और कहने लगी मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान ने उसका तिरस्कार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम यही निकला कि सीता जी का हरण हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतने उपद्रव हो गए, भगवान को रोना पड़ा, कितने कितने कष्ट उठाने पड़े। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि चलो कोई बात नहीं, अब अगले अवतार में ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, कोई भी आ जाए, चाहे कुबड़ी आवे, चाहे लंगड़ी आवे, चाहे लूली आवे, चाहे बानर की बेटी, चाहे भालू की बेटी, सबको स्वीकार कर। कृष्ण बड़े उदार हैं इस मामले में, ये उदारता कृष्ण की बड़ी विलक्षण है। इसी उदारता के कारण ही भगवान कृष्ण के 16108 विवाह हुए, जो आओ साहब स्वीकार। जाम्बवती जी का भी पाण ग्रहण कर लिया, मणि लेकर के आए, मणि सत्राजित को दे दी, मणि सत्राजित को दे दी। अब सत्राजित को जब मणि दे दी, ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने चारों तरफ चर्चा प्रारंभ की कि देखो ये सत्राजित कितना नीच है, भगवान वासुदेव के ऊपर झूठा कलंक लगाया, मणि कोई ले गया था और ये भगवान वासुदेव को चोरी लगा रहा था।
इस बात को लेकर के द्वारका में लोग सत्राजित की गली गली में निंदा करने लगे। अब सत्राजित घर से कहीं बाहर निकले तो उनको मुंह दिखाना मुश्किल, चारों तरफ उनकी आलोचना होने लगी। तो सत्राजित ने सोचा कि रहना तो द्वारका में ही, इस आलोचना से बचने का उपाय क्या है। तो सत्राजित ने सोचा मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, और एक बेटी ही है, कोई बेटा वोटा भी नहीं था उनके, और दूसरी भी कोई बेटी नहीं थी, एकमात्र सत्यभामा। तो सत्राजित ने सोचा मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से ही कर दूं, कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर कौन हमको बोलेगा, फिर किसकी हिम्मत है कुछ कहने की। यह सोच करके सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान भगवान को कर दिया। भगवान ने सत्यभामा जी का भी पाणि ग्रहण कर लिया। फिर सत्राजित ने सोचा कि मेरी एक ही तो बेटी है, जब कन्या का दान मैंने कर ही दिया, कन्या रत्न दे दिया, तो ये मणि रख करके भी मैं क्या करूंगा, इस मणि का भी मैं दान कर दूं। वो मणि भी सत्राजित भगवान को देने लगे। तो भगवान भी बड़े खिलाड़ी हैं, ठाकुर जी भी बड़े चतुर। ठाकुर जी ने सोचा अब ये दे करके मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हैं, और आज नहीं कल ये मणि तो हमको ही मिलेगी, क्योंकि हमारे ससुर जी हैं इनके घर में, तो और कोई बेटा बेटी है नहीं, इनकी सारी संपत्ति ऐसे भी हमको मिलने वाली है, तो अभी मैं मणि लेकर के इनका एहसान क्यों लूं। इसलिए मणि को भगवान ने लौटा दिया। बोले नहीं नहीं ये तो आप अपने पास रखो, ये आपकी मणि है, आप अपने पास रखो। ऐसा कह करके भगवान ने वो मणि सत्राजित को दे दी। सत्यभामा जी का पाणि ग्रहण कर लिया। पहले तो जाम्बवती प्राप्त हुई, फिर सत्यभामा जी प्राप्त हुई, लेकिन सत्यभामा जी को द्वितीय पटरानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। भगवान की प्रथम पटरानी रुक्मिणी, और दूसरी पट्ट महिषी सत्यभामा, और तीसरी जाम्बवती। इसके बाद भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ, कालिंदी के साथ। एक दिन भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे, और अर्जुन के साथ भगवान जमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तब तक अर्जुन ने देखा जमुना जल के अंदर एक कन्या गले के बराबर जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभनी। हे देवी, आपकी तपस्या की पद्धति और तपस्या की विधि को देख करके लगता है कि आप मन के अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। ऐसी कठिन तपस्या तो कोई कन्या क्यों करेगी। तो उस कन्या ने अर्जुन से कहा कि आपने ठीक कहा है, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं, मेरा नाम कालिंदी है, और मैं अपने मन के अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने पूछा क्या चाहती हो। उस कन्या ने कहा कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तप परममास्थिता। वरेण्य वर्ण करने के योग्य जो भगवान विष्णु है नारायण, उन्हीं को मैं चाहती हूं। नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री निकेतनम। श्री निकेतन भगवान को छोड़कर के मैं दूसरे पति का वर्ण नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तप कर रही हूं। अर्जुन मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने कहा देवी आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। क्यों? अर्जुन ने कहा भगवान नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, और वो मेरे साथ यहां आए हैं, मैं अभी उनको लेकर के आता। अर्जुन दौड़े दौड़े आए और भगवान से कहा चलो। कृष्ण भगवान ने कहा कहां चलें। अर्जुन ने कहा एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। भगवान अर्जुन के साथ आए। कालिंदी भगवती जमुना अपने कर कमल में नील कमल पुष्प की पुष्पों की माला लेकर के जल से बाहर निकल करके आई, और भगवान गोविंद के गले में वरमाला डाल दी। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने हैं, और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार कालिंदी ने भगवान का वरण किया। ये भगवान की चौथी पटरानी। पांचवा विवाह भगवान का महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा के साथ हुआ।
महाराज मित्रविंद बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा, उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर सभा में भगवान पहुंच गए। उस स्वयंवर सभा में भगवान जब पहुंचे तो वहां दुर्योधन इत्यादि और भी राजा लोग पहुंचे थे। भगवान जब पहुंचे तो मित्रविंदा ने भगवान को देखकर, उस स्वयंवर सभा में मित्रविंदा ने भगवान का ही वर्ण कर लिया। दुर्योधन इत्यादि जो थे वो सब विरोध करने लगे कि ये राजकुमारों की स्वयंवर सभा है, कृष्ण तो कहीं के राजकुमार भी नहीं है, द्वारिका के राजा तो महाराज उग्रसेन हैं, इस स्वयंवर सभा में इनको सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं है, ये है वो है, अनेक प्रकार की बातें होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुछ भी हो मैं क्षत्रिय हूं और मित्रविंदा ने मेरा वर्ण किया है और मैं मित्रविंदा को ले जाऊंगा। बलपूर्वक सभी विरोधियों को भगवान परास्त करके मित्रविंदा जी को लेकर के आए और फिर मित्रविंदा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान की पांचवी पटरानी। छठवां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या जी के साथ हुआ। इस विवाह को लेकर के भी दो प्रकार के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज नग्नजित दक्षिण कोसल के राजा थे, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़, यहां एक प्रजाति रहती थी, जंगली प्रजाति, जंगल में रहने वाली जो नग्न रहती थी, वो कपड़े नहीं पहनती। उन नग्न पुरुषों को जीत करके उन्होंने यहां राज्य की स्थापना की, इसलिए उनका नाम नग्नजित था। और कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा है, प्रमाण है कि उत्तर कोशल अयोध्या के राजा थे महाराज नग्नजित, और महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भगवान पधारे। अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर सभा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, विवाह करने के लिए नहीं पहुंचे थे। इस स्वयंवर सभा में तो भगवान घूमने के लिए ही आए थे कि चलो देखेंगे, बड़े बड़े राजा वहां आएंगे, स्वयंवर सभा में क्या होता है। और भगवान जब पहुंचे, नगर में घूम रहे थे, महाराज नग्नजित की बेटी सत्या ने अपने महल के अंदर से ही भगवान कृष्ण को देखा। देख करके वो मोहित हो गई और सत्या जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम भूयादयम मे पतिराशिशो मलाह करो तु सत्या यदि मे धृतो व्रतई है। सत्या जी ने कहा कि हमने अगर धर्म किया है, व्रत का पालन किया है, तो ये श्याम सुंदर ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने जब सुन लिया तो भगवान ने कहा चलो इनको भी ले चलते हैं, जब ये चलना ही चाहती हैं ये भी चल। सभा में आए, सभा में आकर के स्वयं भगवान ने महाराज नग्नजित से प्रस्ताव कर दिया। भगवान ने महाराज नग्नजित से कहा राजन मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कभी याचना नहीं करता, लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे याचना करता हूं। क्या याचना करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तथापि याचे तव सौहृदे छया कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्क दावयम। हम आपके सौहृद की कामना से हम आपसे याचना करते हैं कि आप अपनी बेटी सत्या का कन्यादान मुझे कर दें। यही एक विवाह भगवान का ऐसा हुआ है जिस विवाह में स्वयं भगवान ने कन्या की याचना की, सत्या जी की याचना की। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी बेटी द्वारिकाधीश की पटरानी बनेगी। लेकिन महाराज नग्नजित ने भी एक बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर रखी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे गौशाला में जो 7 वृषभ हैं, उन वृषभों की नाक में जो व्यक्ति डोरी डाल देगा, उनको नाथ लगा देगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये प्रतिज्ञा थी। और वो सातों सांड बड़े उग्र थे,
जो व्यक्ति उनके पास जाए तो सातों मिल करके मार डालते, कोई व्यक्ति बैठ जाए। कथा के बाद इसमें बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति इन सातों साणों की नाक में नकेल लगा देगा उस वीर के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। महाराज नग्नजित ने कहा कि ये प्रतिज्ञा आप पूरी कर दो, मैं अपनी कन्या का दान कर दूं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यग्रहणाल लीलयैव तान, भगवान सात रूपों में प्रकट हो गए। उस घेरे के अंदर जाकर जहां पर वो सातों वृषभ थे, भगवान सात रूपों में प्रकट हो गए और एक साथ उन सातों साणों की नाक में डोरी डाल दी। इस पराक्रम को देख करके महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया और ढेर सारा दहेज दिया। यही एक विवाह भगवान का हुआ जिसमें खूब माल ताल मिला भगवान को। अयोध्या नरेश ने कन्यादान किया था और महाराज दस धेनु सहस्राणी, 10,000 गाय और 3,000 दास दासी, कितने रथ, कितने घोड़े, हाथी, ये सब महाराज नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण को उपहार के रूप में दिया और सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारकापुरी आए। ये भगवान की छठवीं पटरानी। सातवां विवाह भगवान का केकई देश के राजा की बेटी भद्रा जी के साथ हुआ। केकई देश के राजा ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर सभा में भी भगवान पहुंचे, वहां भी भद्रा ने भगवान का वरण कर लिया। दुर्योधन इत्यादि राजाओं ने विरोध किया, वहां भी सबको परास्त करके विरोधियों को भगवान भद्रा जी को लेकर के चले आए। फिर भद्रा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान की सातवीं पटरानी। दक्षिण भारत में मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर सभा में भी भगवान पहुंचे, वहां लक्ष्मणा ने भी भगवान का वरण कर लिया और वहां से भी लक्ष्मणा जी को लेकर के भगवान आए। स्वयंवरे जहारई कह सुपर्ण सुधामिव। वहां भी विरोधी राजाओं ने जब उपद्रव किया तो लक्ष्मणा को लेकर के भगवान उसी प्रकार चले आए। सुखदेव जी कहते हैं सुपर्ण सुधामिव, जैसे गरुण जी महाराज ने स्वर्ग से अमृत कलश का हरण कर लिया था उसी प्रकार से भगवान लक्ष्मणा को लेकर के चले आए। फिर लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान की आठवीं पटरानी है। इस प्रकार भगवान के आठ विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की आठ पटरानियां। इसके बाद भगवान का 16,100 विवाह एक ही बार में। ये विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि भौमासुर नाम का एक दैत्य था, असुर। वो भौमासुर 16,100 राजकन्याओं का हरण करके अपने कारागार में बंद करके रखा था। उस भौमासुर से भगवान युद्ध करने के लिए गए गरुण पर बैठकर, साथ में सत्यभामा जी को लेकर के गए। उस असुर से भगवान का युद्ध हुआ। भौमासुर से, उस भौमासुर का जो सेनापति था उसका नाम था मुर। मुर नाम का असुर भौमासुर का सेनापति था, बड़ा पराक्रमी था। उस मुर दैत्य को भगवान ने मारा उस युद्ध में, इसीलिए भगवान का एक नाम मुरारी पड़ा। ये मुरारी नाम भगवान का इसीलिए है, उस मुर दैत्य को भगवान ने मारा। और फिर भौमासुर का भी भगवान ने वध किया, कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया। कहा अब आप लोग अपने अपने घर जा सकती हो। उन कन्याओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज अब मैं कहाँ जाऊं, इस असुर ने मेरा हरण किया था, कोई भी क्षत्रिय अब हमको स्वीकार नहीं करेगा, यहां तक कि हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा जीवन तो नरकमय हो जाएगा, हमारा कोई आश्रय नहीं है, आपने इस दुष्ट के चंगुल से हमें छुड़ाया है तो आप अपने चरणों की दासी बना लो, अपने चरणों में ही हमें स्थान प्रदान करो।
उन 16,100 राजकन्याओं के निवेदन को सुनकर के भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा। सत्यभामा जी साथ में ही थी। सत्यभामा जी को भी दया आ गई और सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु ले चलो इनको भी, ये सब मेरी बहनें हैं, सब आ रहे हैं, द्वारिका में क्या कमी है। फिर तो श्री भगवान कृष्ण ने उन 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में और उनको द्वारकापुरी भेज दिया। और वो भौमासुर दैत्य बड़ा दुष्ट था महाराज, स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र का छत्र निकाल लिया था उनके सिंहासन से, देव माता अदिति के कान का कुंडल छीन लिया था। भौमासुर का वध करने के बाद भगवान ने वो छत्र और कुंडल ले जाकर के स्वर्ग में इंद्र को दिया, देव माता अदिति को कुंडल भेंट किया। देवराज इंद्र ने स्वर्ग में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्र के साथ बैठे थे और सत्यभामा जी इंद्र की पत्नी इंद्राणी के साथ स्वर्ग में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। घूमते घूमते नंदन वन में पहुंच गई। नंदन वन में पारिजात के वृक्ष को देखकर सत्यभामा जी के मन में हुआ कि ये वृक्ष मेरे भी आंगन में हो, और आकर के सत्यभामा जी ने भगवान से कहा कि स्वर्ग का ये पारिजात वृक्ष मेरे महल में, मेरे आंगन में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है देवी, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। स्वर्ग के उस पारिजात वृक्ष को भगवान ने ले लिया सत्यभामा जी के आंगन में लगाने के लिए। इंद्र को बात बुरी लग गई। इंद्र ने कहा, यह स्वर्ग की संपत्ति है, ये मृत्यु लोक में नहीं जाएगी। और उसी के लिए इंद्र लड़ाई करने को तैयार हो गए। भगवान ने कहा, कुछ भी हो, मेरी पत्नी सत्यभामा ने कहा है तो सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए वृक्ष उनके आंगन में लगेगा, कैसे भी लगे, चाहे इसके लिए मुझे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। फिर भगवान ने देवराज इंद्र से युद्ध किया, देवराज इंद्र की सेना पराजित हो गई। अंत में देवराज इंद्र ने स्वीकार कर लिया, ठीक है आप ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि जब तक आप पृथ्वी पर प्रकट रूप से विराजमान होकर के लीला करें तब तक ये वृक्ष पृथ्वी पर रहेगा, और जब आपकी लीला पूर्ण हो जाएगी तो ये वृक्ष अपने आप स्वर्ग में आकर के स्थापित हो जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है। इस प्रकार भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ला करके सत्यभामा जी के आंगन में स्थापित करते हैं। स्वर्ग से लौट करके आए, उधर 16,100 राजकन्याओं को पहले ही भगवान ने द्वारकापुरी भेज दिया था, उन सबको भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, उनका भी पाणि ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। 16,108 विवाह में एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां हुई, फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां हुई। इतने भगवान के नाती पोता था, इतना विशाल परिवार भगवान श्री कृष्ण का था। इसके बाद भी भगवान का गृहस्थ जीवन इतना पवित्र और इतना आनंदमय, शांतिमय कि कहीं किसी प्रकार का कोई कलह नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां, रानियां, लेकिन कभी भी भगवान श्री कृष्ण का अपनी किसी पत्नी से किसी बात को लेकर के कभी विवाद नहीं हुआ। उनकी कोई पत्नी कभी उनसे नाराज नहीं हुई। बोले, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले, बहुत बड़ी बात है। जीवन में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला में कभी किसी पत्नी से भगवान का विवाद ही नहीं हुआ। सुखदेव जी तो कहते हैं, भगवान तरसते रह गए कि कभी मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा कर ले, झगड़ा कर ले, बोले इसमें क्या सुख है। तो सुखदेव जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह में धिनाम यन नरमैर नियते यामह प्रियया भीरुभामिनी। गृहस्थ जीवन में कभी कभी थोड़ी खटपट हो जाए, नोक झोंक हो जाए, तो गृहस्थ जीवन में फिर नए सिरे से प्रेम का संचार होता है, इसलिए गृहस्थ में यह सब होता ही रहता है। लेकिन भगवान की गृहस्थी में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन तो भगवान ने योजना बनाई इसके लिए कि कुछ मैं ऐसा करूं कि मेरी पत्नी रुक्मिणी से मेरा झगड़ा हो जाए।
ऐसे तो रुक्मिणी जी झगड़ा करने को तैयार नहीं, कभी उनको कोई बात बुरी लगती नहीं, वो तो सदा भगवान के चरणों में समर्पित। एक दिन भगवान बैठे थे, रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी, दास दासी अगल बगल खड़े थे। भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, देवी एक बात कहें? तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप राजा की बेटी राजकुमारी हो और मैं तो राजकुमार भी नहीं हूं, मैं तो द्वारिका का एक छड़ीदार हूं, यहां के राजा तो महाराज उग्रसेन है। आप राजकुमारी हो करके मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति से विवाह किया क्या आपको मिला? आप इतनी सुंदर हो और मैं काला कलूटा, और तो और मेरे इतने शत्रु कि शत्रुओं के भय से भाग करके समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी बना करके मैं रहता हूं, इसके बाद भी एकमात्र आप मेरी पत्नी होती तो शायद आपको प्रसन्नता होती, लेकिन आपके अतिरिक्त 16,107 विवाह मैंने और किए, क्या मिला आपको मेरे जैसे पुरुष का वरण करके? भगवान कहते हैं, देवी आपने बहुत बड़ी भूल की, मेरे जैसे पुरुष का वरण किया, लेकिन हे देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अथात्मनोन रूपम वही भजस्व क्षत्रिय ऋषभम, अगर अभी भी आपकी इच्छा हो तो आप अपने मन के अनुकूल किसी छत्री का वरण कर सकती हो, जा सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी बड़ी बात, ये साधारण बात है। भगवान कहते हैं, आपका मन हो तो आप किसी के साथ चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ये बात भगवान ने रुक्मिणी जी को कब कही? बोले जब 10 पुत्र और 1 बेटी हो चुकी थी तब। पहले कहते तो शायद रुक्मिणी जी सोचती भी, लेकिन अब कहां जाएंगी? भगवान कहते हैं कि आप अगर वरण करना चाहो तो किसी का वरण कर लो, चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहां मूत्र चलपससे, यहां पर और परलोक में तुम्हें जिस प्रकार सुख हो उस सुख के लिए तुम अपने मन के अनुकूल किसी का वरण कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बात भगवान ने इसीलिए कही कि इतना जब मैं कहूंगा तो रुक्मिणी क्रोध में आ जाएंगी, और क्रोध में आकर के रुक्मिणी कुछ कहेंगी मुझको। क्या कहेंगी? बोले यही कहेंगी कि जब जाना था तब गए नहीं, अब जाएंगे, अब तो तुम्हारी छाती पे दाल धरेंगे और कहां जाएंगे, अब जाने का कोई रास्ता नहीं बचा और अब कह रहे हो चली जाओ। लेकिन रुक्मिणी जी ने क्या कहा? भगवान के वचनों को सुन करके रुक्मिणी जी मूर्छित हो गए। भगवान मेरा त्याग कर रहे, मैं कहां जाऊंगी? भगवान के इन वचनों को सुन करके रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ी। नहीं, भगवान श्याम सुंदर पलंग से उछल करके दौड़े और रुक्मिणी जी को संभाल लिया। सुखदेव जी कहते हैं, पर्यंकात अवरुहियासु तामथाप्य चतुर्भुजः, पर्यंक से कूद करके दौड़ करके भगवान ने रुक्मिणी जी को संभाला और भगवान उस समय चतुर्भुज हो गए। तामुत्थाप्य चतुर्भुजः, भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली। 4 भुजाएं क्यों धारण कर ली? क्योंकि रुक्मिणी जी जब मूर्छित होकर के गिरी तो उनके केश खुल गए। केशान समुह्यतत वक्त्रम प्रामृजत पद्मपाणिना, रुक्मिणी जी के केश खुल गए तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी के केश कहीं पृथ्वी का स्पर्श करेंगे तो ये तो अमंगल होगा, अशुभ होगा। सौभाग्यवती स्त्री के केश खुले हों तो वो अमंगल माना जाता है। ये तो आज का फैशन है कि स्त्रियां केश खोल करके घूमें, लेकिन प्राचीन सिद्धांत यही है कि सौभाग्यवती स्त्री के केश खुले नहीं होने चाहिए। संजोग से उस दिन रुक्मिणी जी ने जूड़ा बना रखा था और ज्यों ही वो गिरी मूर्छित होकर के वो जूड़ा खुल गया और रुक्मिणी जी के केश बड़े लंबे। वो केश जब पृथ्वी का स्पर्श करने लगे तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी सौभाग्यवती है और इसके केश पृथ्वी का स्पर्श करें ये तो अमंगल होगा। तो 2 हाथों से भगवान ने रुक्मिणी जी को संभाला और अपनी 2 भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी के केश को बटोर करके जूड़ा बनाया कि ये केश पृथ्वी का स्पर्श न करें। केशान समूहीय तद वक्त्रम प्रामृजत पद्मपाणिना, और फिर भगवान ने रुक्मिणी जी के मुख पर, उनके मस्तक पर अपने शीतल करकमल जब फेरे तो रुक्मिणी जी को चेतना आई। रुक्मिणी जी रोने लगी, उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरा त्याग न करें, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊंगी? तब भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, देवी मैं आपका कभी त्याग नहीं कर सकता,
ये तो मैंने मजाक में कहा था कि मेरे वचनों को सुनकर के आप नाराज हो जाओगी और क्रोध में आकर के मुझे कुछ कहोगी, तो आपके उस मुखमंडल को देखने के लिए, क्रोध में आप कैसी दिखती हो ये देखने के लिए मैंने ऐसा किया। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मैं आपके ऊपर क्रोध करूं ये धर्म नहीं है, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। रुक्मिणी की इस विनम्रता को, उनके इस भाव को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, देवी अयम हि परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन नरमैर नियते यामः प्रियाभीरु भामिनी। हे भामिनी, गृहस्थ जीवन का यही सुख है, गृहस्थी ऐसे ही चलती है, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में समय कटता है, गृहस्थी की यात्रा आगे बढ़ती है। इस प्रकार भगवान अपने गृहस्थ जीवन में रहकर परम आनंद का अनुभव करते हैं। आगे वर्णन आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का जो परिवार, इतने नाती पोता, एक एक पत्नी से दस दस पुत्र, एक एक बेटियां, फिर उनके दस दस पुत्र, बोले इतने नाती पोता को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको धर्म का ज्ञान कराने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए गए, कितने अध्यापक नियुक्त किए गए? सुखदेव जी कहते हैं 3,188,000 अध्यापक भगवान के नाती पोता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए, जो उनको शिक्षित करते थे, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान देते थे। ऐसी विलक्षण लीला भगवान। आप कहोगे महाराज, एक छोटे से द्वारिका नगर में 3 करोड़ की जनसंख्या कैसे रही होगी? 56 करोड़ तो यदुवंशी ही थी और 3,88,000 अध्यापक पढ़ाने वाले थे, बाकी नगर के नागरिक लोग रहे होंगे। तो आज पूरे भारत की जितनी आबादी है, उतनी आबादी तो खाली द्वारिका में रही हो। ये कैसे संभव था? ये कैसे संभव हो सकता है? बोले भगवान की लीला है। भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान एक छोटे से देश में अनंत अनंत ब्रह्मांड की अनुभूति करा सकते हैं। एक त्रुटिकाल में, त्रुटिकाल उसको कहा जाता है कि कमल का जो पत्ता होता है, कमल की पंखुड़ी बड़ी कोमल होती है, कमल की पंखुड़ी जो होती है, उन पंखुड़ियों को तोड़कर 100 पंखुड़ियों को एक के ऊपर एक रखा जाए और फिर उसमें सुई चुभो दी जाए, तो 100 पंखुड़ियों को पार करने में सुई को कितना समय लगेगा? एक ही बार में तो कच्चे से पार हो जाएगी, कमल इतना कोमल होता है। लेकिन 100 पंखुड़ियों को पार करने में सुई का एक क्रम चला होगा, पहले एक पंखुड़ी छिदी होगी, तब दूसरी छिदी होगी, तब तीसरी छिदी होगी। तो पहली पंखुड़ी को छिदने में जितना समय लगा, उस समय को त्रुटि कहा जाता है, उसका नाम त्रुटि है, वो समय की सबसे छोटी इकाई होती है। एक कमल की पंखुड़ी को सुई की नोक से छेदने में जितना समय लगे, उसको त्रुटि कहते हैं, वो काल की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। उस त्रुटि में, माने उस काल की सबसे छोटी इकाई में, भगवान चाहें तो अपने संकल्प से अनंत अनंत युगों का व्यक्ति को अनुभव करा सकते हैं। और इसका एक उदाहरण आप समझ लो, आप रात में सोते हो कि नहीं? सोते हो तो रात में सोते हैं तो हम लोग सपना भी देखते हैं, और सपने में क्या क्या देख लेते हैं, कहां चले गए, कई वर्ष तक वहां रहे, फिर ब्याह शादी हो गया, लड़के बच्चे हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, बरसों तक की कहानी और बरसों का अनुभव हम लोग आधे घंटे में करते हैं। वही आत्मा होती, जागने के बाद वो अनुभव बना रहता है, व्यक्ति बताता है आज मैंने ये स्वप्न देखा। तो स्वप्न में सोने पर आधे घंटे में आपने जो अनुभव किया, वो वर्षों का अनुभव आपको हो गया, और वो आत्मा को अनुभव हुआ। जब तक आप जागे नहीं, तब तक वो सब कुछ सत्य ही था। उसी प्रकार से जैसे स्वप्न में भगवान कई कई वर्षों का अनुभव करा देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपनी लीला में चमत्कार के द्वारा छोटे से देश में, छोटे से प्रदेश में,
अल्प काल में अनंत अनंत काल का अनुभव करा करके कुछ भी अनुभव करा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। भगवान की लीला में असंभव कुछ नहीं है, वहां सब संभव है। इस प्रकार भगवान ने द्वारिकापुरी में रहकर विविध लीलाएं की। फिर तो भगवान के पुत्रों का विवाह होता है, भगवान के पौत्रों का विवाह होता है, जो मुख्य मुख्य हैं उनकी सबकी कथा सुखदेव जी ने वर्णन किया है। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, इनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। उषा ने माया के द्वारा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया। बाणासुर को जब पता चला कि मेरे बेटी के घर में कोई पुरुष रहता है, तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर के कारागार में डाल दिया। 4 महीने बीत गए, द्वारका में किसी को पता ही नहीं अनिरुद्ध जी कहाँ है। वो तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए और नारद जी ने आकर के भगवान को बताया, बोले 4 महीने से आपका पोता गायब है और किसी को पता नहीं। तब भगवान को याद आया, अब इतना बड़ा परिवार था, कौन कहाँ घूम रहा, क्या कर रहा, कहाँ तक हिसाब रखे भगवान, करोड़ों लोग थे। 4 महीने बीत गए, अनिरुद्ध जी को बंदी बने और द्वारिका में किसी को पता नहीं। तब भगवान ने कहा अच्छा जाते हैं और जाकर के उसे छुड़ा करके लाते हैं। भगवान बाणासुर के यहां जाते हैं, बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाणासुर को भगवान ने पराजित किया, बाणासुर की 996 भुजाओं को भगवान ने काट डाला अपनी तलवार से। उसी समय भगवान शंकर आ गए और भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप इसे छोड़ दो, ये मेरा भक्त है, मैंने इसको वचन दिया है इसके जीवन की रक्षा का, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं, आपने इसको वचन दिया है और मैंने इसके परदादा को वचन दिया था कि तुम्हारे खानदान में कोई पैदा होगा तो मैं उसको नहीं मारूंगा, वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करे। इनके परदादा कौन थे? बोले बाणासुर के पिता महाराज बलि, जिनके यहां वामन भगवान गए, और बलि के पिता विरोचन, और विरोचन के पिता श्री प्रहलाद जी, भगवान के परम भक्त। ये प्रहलाद का परपोता है बाणासुर। और प्रहलाद के यहां जब भगवान नरसिंह के रूप में आए थे, कथा में आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यपु का भगवान ने जब वध कर दिया, बाद में प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे पिता को आप क्षमा कर दें, मेरे पिता की दुर्गति न हो, मेरे पिता ने आपको बहुत सारी गालियां दी, अपशब्द कहे। प्रहलाद के इन वचनों को सुनकर के भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आज तो मैंने क्रोध में, रोष में तुम्हारे पिता का वध कर दिया, लेकिन जाओ मैं आज वचन देता हूं, तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, अगर वो तुम्हारे खानदान का होगा। ये स्पेशल वरदान भगवान ने प्रहलाद को दिया था नरसिंह भगवान कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न तुम्हारा अगर संबंधी होगा तो तुम्हारे संबंध का स्मरण करके मैं उसके सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, उसे मृत्युदंड नहीं दूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं शंकर जी से कि अयम ममेष्टो दैतो नुवर्ती ममा भयम दत्त ममुष्य देव संपाद्यताम तद्भवत प्रसादो यथाहिते दैत्य पतौ प्रसादः। मैंने प्रहलादाय बरो दत्तो न बद्ध्यो में तवान्वयः, प्रहलाद को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान ने बाणासुर को छोड़ दिया। बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का कन्यादान कर दिया, भगवान के पौत्र के साथ अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह हुआ। अनिरुद्ध को और उषा को लेकर, अपनी पौत्र वधु को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आए। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र द्वारिका के एक उपवन में खेल रहे थे। भगवान ने सोचा इन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ये मेरे बच्चे, ये मेरे परिवार के लोग बड़े पराक्रमी हैं, इनको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता, इनका कोई विनाश नहीं कर सकता, इनका जब कभी भी विनाश होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा। दूसरे के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मेरे वंश का विनाश कर दे, ब्राह्मण ही अपने शाप से इन्हें नष्ट कर सकता है।
तो कहीं समय से पहले ही इनका विनाश न हो जाए, इनकी उग्रता के कारण, इनकी उद्दंडता के कारण। इसलिए इनको शिक्षित करना चाहिए, इनको अनुशासित करना चाहिए। ये सोच करके भगवान ने एक बड़ी अद्भुत लीला की। एक दिन भगवान के सभी पुत्र उपवन में खेल रहे थे, उनकी गेंद कुएं में जाकर के गिर गई। बच्चे गए गेंद निकालने के लिए तो देखते क्या है, उस कुएं में एक बहुत बड़ा क्रिकलास, बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा तो गिरगिट हो नहीं सकता। आकर के उन बच्चों ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण ने कहा चलो देखते हैं। भगवान पहुंचे और भगवान ने उस कुएं के अंदर अपने हाथ को डालकर उस गिरगिट को बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही वो गिरगिट, वो क्रिकलाश जो था, उसका शरीर गायब हो गया, वो राजा के रूप में प्रकट हो गया। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसी घटना। भगवान ने पूछा उस राजा से, तुम कौन हो? भगवान तो सब जान रहे हैं, लेकिन बच्चों को दिखाना था, समझाना था। भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो उस राजा ने कहा कि नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। सूर्य वंश के जो राजा महाराज इक्ष्वाकु थे, मैं उनका पुत्र नृग हूं, मैं पहले राजा था। बोले ये क्रिकलास की योनि तुम्हें कैसे प्राप्त हो गई? तो उस राजा ने, महाराज नृग ने कहा कि हे भगवन, मैं प्रतिदिन 100,000 गाय का दान करता था। राजा नृग बहुत बड़े दानी थे, प्रतिदिन ब्राह्मणों को गोदान करते थे। एक दिन उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गाय का दान किया, ब्राह्मण अपनी गऊ लेकर के गए। संजोग से ब्राह्मण की गौशाला से एक गाय भाग करके चली आई राजा की गौशाला में। अब इतनी गायों का रोज दान होता था, गायें जाती आती थी, उसमें कौन हिसाब रखे। वो गाय गई लेकिन वहां से किसी प्रकार भाग गई, निकल गई और आ गई फिर राजा की गौशाला में। राजा के कर्मचारियों को पता नहीं चला, कुछ असावधानी भी थी। दूसरे दिन प्रातः काल जब राजा गोदान करने के लिए उपस्थित हुए, तो सेवकों ने उस गाय को फिर तैयार करके उपस्थित कर दिया। अब रोज 100,000 गाय का दान करते थे, इसलिए कहां तक याद रहेगा उनको। उस गाय का दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को। तब तक वो पिछले दिन वाला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आ गया। उसने सोचा गाय कहां गई होगी, बोले जहां से आई थी वहीं गई होगी और कहां जाएगी। ढूंढते ढूंढते वो ब्राह्मण आया, देखा तो उस गाय का दान कर रहे थे महाराज दूसरे ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय तो मेरी है। तब तक जिस ब्राह्मण को दान किया था उसने कहा नहीं नहीं ये तो मेरी है, अभी अभी हमको दान किया है। उस ब्राह्मण ने कहा तुमको अभी किया है, ये इस गाय का दान इन्होंने कल ही मुझको किया था, ये मेरी है। दोनों अपनी बात पर अटिक रहे और दोनों की बातें सत्य थी। वो ब्राह्मण भी यही कह रहा था भाई कल हमको दिया था, और ये ब्राह्मण कह रहा था अभी अभी इन्होंने हमको दिया है। दोनों अपना अधिकार उस गाय पर कहने लगे। अब तो राजा इधर देखे उधर देखे, क्या करें, धर्म संकट हो गया। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो वे ब्राह्मण दोनों आपस में लड़ने लगे उस गाय के लिए कि ये गाय मेरी है, वो कहता मेरी है। ब्राह्मणों ने सोचा कि महाराज कोई समाधान ढूंढेंगे, लेकिन महाराज नृग तो मूक दर्शक बनकर के कभी इधर देखते कभी उधर देखते उस ब्राह्मण की ओर, क्या करें। उन दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, दोनों ने शाप दे दिया जाओ राजन बहुत बड़े तुम दानवीर बनते हो और अपने दातृत्व के अभिमान में तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया, दो ब्राह्मणों को आपस में लड़ा दिया एक गाय के लिए, इतनी तुम्हारी असावधानी और तुम्हारा इतना अज्ञान, और ऊपर से तमाशा देख रहे हो, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ, जैसे गिरगिट कभी इधर सिर करता कभी उधर करता रंग बदलता ऐसे ही तुम रंग बदल रहे हो, जाओ। शाप देते। ये शाप की कथाएं बड़ी हैं पुराणों में महाराज, खूब भरी पड़ी। एक सज्जन कहते थे महाराज ये ब्राह्मण लोग ऋषि लोग, इनको कोई और काम नहीं था, केवल एक ही काम था, खाते थे और दूसरों को शाप देते थे। जितनी कहानी पढ़ो सब में यही, उन्होंने उनको शाप दिया, उन्होंने उनको शाप दिया, उन्होंने उनको शाप दिया। इनका दूसरा कोई काम नहीं था, खाओ और दूसरों को शाप दो।
यहां बात तो ऐसी ही लगती है, लेकिन जहां जहां कहीं भी शाप की चर्चा आती है तो आप पढ़ना, जिस किसी को ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों ने शाप दिया उन सबको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सबको ठाकुर मिल जाता है। उन ब्राह्मणों के तपस्वियों के साप में इतनी शक्ति है तो वरदान में कितनी शक्ति हो, जिनके साप से बिना प्रयास के ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बाद में व्यक्ति को पता चलता है कि ये साप नहीं, ये तो वरदान ही था। मानो अहिल्या को साप दिया महर्षि गौतम ने, जा तू पत्थर हो जा, अहिल्या पत्थर हो गई, बहुत रोई, पश्चाताप करती रही। लेकिन जब राम जी का दर्शन हुआ अहिल्या को, राम जी के चरण रज से अहिल्या पवित्र हुई, तब अहिल्या ने राम जी की स्तुति करते हुए क्या कहा? अहिल्या ने यही कहा कि आज मुझे पता चला महर्षि गौतम ने शाप दिया, बहुत अच्छा किया, अगर वो शाप न दिए होते तो आज मुझे रघुनाथ जी का दर्शन कहाँ होता। श्राप जो दीना अति बल दीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति बल दीना, परम अनुग्रह में माना। हाँ परम अनुग्रह में माना, हाँ परम अनुग्रह में। भगवान की स्तुति करते हुए अहिल्या ने यही कहा कि मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, मुनि ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया, परम अनुग्रह मैं माना, इसको मैं अनुग्रह मानती हूं, कृपा मानती हूं, अगर महर्षि गौतम मुझे शाप न देते तो आज राम जी का दर्शन कहां होता। इंद्र को भी शाप दिया था महर्षि गौतम ने, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। बाद में इंद्र ने कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महर्षि गौतम ने कहा जब राम जी का विवाह होगा मिथिला में, राम जी के विवाह का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारे शरीर के 1000 छिद्र 1000 नेत्र बन जाएंगे, और 1000 नेत्रों से तुम भगवान श्री रघुनाथ जी के विवाह का दर्शन करोगे। विवाह तो हमारे रघुनाथ जी का ही हुआ, कोई कुछ भी कहे, कृष्ण भगवान के बहुत विवाह हुए 16108, लेकिन किसी भी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि सारी और सरहज आरती उतारती, गीत गाती और मंगल गीत होते और कृष्ण का विवाह होता। ये विधि तो हमारे राम जी के विवाह में हुई, राम जी का जो विवाह भूतो न भविष्यति, ऐसा विवाह किसी का हुआ न होगा। भगवान श्री राम का विवाह दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक देवता सब आए। ब्रह्मा जी राम जी का विवाह देखने लगे तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा और कहा देखो भाई आज हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा 8 नेत्रों से मैं भगवान के विवाह का दर्शन कर रहा हूं, तुम लोगों के पास 2 आंख है, हमारे पास 8 है। देवताओं ने कहा बात तो सही है। ब्रह्मा जी के बगल में शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय बैठे थे। कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी से कहा पितामह आपसे ज्यादा सुखी तो मैं हूं। बोले क्यों? बोले हम तो 12 नेत्रों से भगवान के विवाह का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिकेय जी के 6 मुख और 1-1 मुख में 2-2 आंख, तो 12 आंख थी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये बात तो है। तब तक कार्तिकेय जी के बगल में भगवान शंकर बैठे थे। भगवान शंकर ने कार्तिकेय की पीठ पर 1 थपक लगाई और कहा बच्चा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम 12 नेत्रों से भगवान के विवाह को देख रहे हो, मैं 15 नेत्रों से देख रहा हूं। शंकर जी के 5 मुख और 1-1 मुख में 3-3 नेत्र। भगवान शंकर ने कहा मैं तो 15 नेत्रों से भगवान के विवाह का दर्शन करके आनंदित हो रहा हूं, मुझसे ज्यादा आनंदित कोई नहीं। सभी देवता उठ करके खड़े हो गए और सभी देवताओं ने शंकर जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कार्तिकेय को प्रणाम किया और कहा कि सच्ची बात कहें। बोले बताओ। सभी देवताओं ने कहा आज इंद्र से ज्यादा कोई सुखी नहीं है, इंद्र अपने 1000 नेत्रों से भगवान के विवाह का दर्शन कर। देव सकल सुरपति सिहाही आज पुरंदर सम को नाही, देव
सकल सुरपति सिहाही आज पुरंदर सम को नाही रामई चितई सुरेश सुजाना रामई चितई सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना गौतम श्राप परम हित माना देव सकल सुरपति सिहाही आज पुरंदर सम को नाही आज पुरंदर सम को नाही आज पुरंदर सम को सभी देवताओं ने कहा आज पुरंदर सम को नाही आज इंद्र के समान कोई सुखी नहीं। तब इंद्र से लोगों ने पूछा, देवराज इंद्र से कहा कि भाई आप अपना अनुभव बताओ, आपको कितना आनंद आ रहा है। तो देवराज इंद्र ने अपना अनुभव कहा। देवराज इंद्र कहते हैं, रामई चितई सुरेश सुजाना गौतम साप परम हित माना। इंद्र ने कहा, महर्षि गौतम ने मुझे साप दिया था, बहुत अच्छा किया। अगर वो साप न देते तो आज मैं 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कैसे करता। तो मुनियों का साप भी जीव का कल्याण करता है, जीव को भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जय विजय को साप दे दिया, बोले जाओ 3 जन्म राक्षस हो जाओ। परिणाम क्या हुआ? बोले जय विजय 3 जन्म राक्षस बने तो भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिया, वराह अवतार, नरसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार। अगर सनकादिक साप न देते तो रामावतार न होता, रामावतार न होता तो रामायण न होते। सनकादिक अगर साप न देते तो कृष्णावतार न होता, कृष्णावतार न होता तो भागवत न होती, भागवत न होती तो न हम यहां होते ना आप यहां होते। भगवान के इन भक्तों के शाप से भी सारे विश्व का मंगल होता है। महर्षि वाल्मीकि ने शाप दिया उस निषाद को, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः, और परिणाम बोले उनके मुख से कविता प्रकट हो गई, और उस कविता का परिणाम बोले विश्व का प्रथम काव्य रामायण प्रकट हुआ, आदि काव्य, और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ, आदि कवि कहलाए महर्षि वाल्मीकि। तो कहने का भाव कि ऋषि मुनियों का साप, ब्राह्मणों का क्रोध, ऋषियों का क्रोध भी जीव का कल्याण करता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान ही होता है। ब्राह्मणों ने साप दे दिया, बोले जाओ गिरगिट हो जाओ। राजा गिरगिट बन गया। आज भगवान के करकमल से इनका उद्धार हुआ। महाराज नृग दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग चले गए। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों को लेकर के सभा में आए और सब बच्चों को बैठाया, कहा बैठो। सब बैठ गए। अब भगवान प्रवचन करने लगे। भगवान कृष्ण अपने बच्चों को उपदेश देते हुए कहते हैं, देखो आज की इस घटना से तुम लोग शिक्षा ले लो। क्या शिक्षा? बोले तुम्हारे द्वारा दिया गया हो अथवा किसी और ने दिया हो, किसी के द्वारा दिया गया हो, ऐसा जो धन ब्राह्मणों का, उस धन का जीवन में कभी हरण मत करना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः, अपने द्वारा दी गई वृत्ति हो अथवा दूसरे के द्वारा दी गई वृत्ति हो, ऐसी ब्राह्मण की वृत्ति का जो व्यक्ति हरण करता है, षष्ठ वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। षष्ठ वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। इसलिए हे पुत्रों, जीवन में कभी ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के धन का हरण मत करना, उनके साथ अन्याय मत करना, कभी उनका अपमान मत करना। इसीलिए भगवान सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि कहीं ये उद्दंड हो गए और इन्होंने ऋषियों का, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो कहीं समय से पहले ही मेरे कुल का विनाश न हो जाए। और फिर भगवान कहते हैं, देखो अगर वे ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर नाराज होकर के तुमको डांट दें, तुम्हें कठोर वचन भी कह दें, तो उसका उत्तर मत देना, उनको प्रणाम कर लेना।
भगवान ने तो यहां तक अपने बच्चों से कहा, ग्रंतम बहुशपंतम वा, अगर वो तुमको क्रोध में आकर के मार भी दें एक थप्पड़ तो चरणों में गिर करके क्षमा मांग लेना, लेकिन उनको जवाब मत देना। ग्रंतम बहुशपंतम वा, अगर वो तुम्हें शाप भी दें तो नमस्कुरुत नित्यशः, उनको नमस्कार ही करना। किस प्रकार से भगवान कहते हैं, यथाहम प्रणमे नित्यम, मुझे देखो जिस प्रकार मैं ऋषि मुनियों को ब्राह्मणों को प्रणाम कर लेता हूं, मेरे ही आचरण का तुम अनुकरण करना। संत ब्राह्मण आचार्यों का सम्मान करना, उनका कभी अपमान मत करना। ये सब शिक्षा भगवान ने अपने पुत्रों को दी, और केवल शिक्षा ही नहीं दी, शिक्षा के साथ साथ जब तक डर न हो तब तक शिक्षा को व्यक्ति ग्रहण नहीं करता। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो मास्टर साहब कहते हैं, टीचर कहते हैं कि ये पाठ याद कर लेना, और याद नहीं किया बोले तो कल बोले 100 उठक बैठक लगाना पड़ेगा अथवा 5 डंडा खाना पड़ेगा, तब उस डर से वो उसे याद कर लेगा। उसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि तथा नमत यूयम च योन्यथा मे सदंड भाग, भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे समान ही प्रणाम नहीं करोगे, उन ब्राह्मणों को ऋषियों को आदर नहीं दोगे तो मेरे द्वारा दंड पाओगे। भगवान ने कहा मैं दंड दूंगा, भले तुम मेरे पुत्र हो लेकिन इस नियम का उल्लंघन करोगे तो मेरे द्वारा दंडित होगे। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्रों का अनुशासन किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन श्री बलराम जी महाराज के मन में हुआ कि चले मथु वृंदावन घूम करके आवे। श्री बलराम जी वृंदावन जाते, कृष्ण भगवान तो नहीं आए लेकिन बलराम जी वृंदावन आते। वृंदावन आए बलराम जी और जमुना जल में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। श्री बलराम जी ने जमुना जी का आवाहन किया कि जमुने तू मेरी लीला में सहयोग कर। भगवान बलराम के वचनों को सुनकर के यमुना नहीं आई तो बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने अपना हल उठाया और जमुना जी के उस पार ऐसे लगाया और बलराम जी ने कहा कि जमुने आज मैं तेरे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। पापे तुम माम अवज्ञाय यन्नायासि मया हुता नेष्ये त्वां लांगलाग्रेण सतथा कामचारिणी। अये यमुने आज मैं अपने हल के द्वारा तेरे इस प्रवाह को खंड खंड कर दूंगा, अब तू नदी के रूप में नहीं रहेगी, अब तू नाली के रूप में हो जाएगी, छोटी छोटी नालियां बन जाएंगी, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बलराम जी तो शेषावतार हैं, उन्होंने जब कोप किया तो जमुना जी प्रकट हो गई और जमुना जी ने क्षमा याचना की और फिर तो श्री बलराम जी की लीला में यमुना ने सहयोग किया। इसके बाद कथा आती है कि श्री बलराम जी महाराज उधर वृंदावन गए थे, उसी समय कारुष देश का राजा पौंड्रक, उसका नाम था पौंड्रक, कारुष देश का राजा था, वो अपने को भगवान वासुदेव कहता था असली भगवान हम हैं, वो द्वारिका में जो कृष्ण है वो तो नकली वासुदेव है, असली वासुदेव मैं हूं। सोचो द्वापर युग की ये घटना है, भगवान पृथ्वी पर विद्यमान है फिर भी नकली भगवान घूमते थे, और वो कारुष का राजा पौंड्रक कहता था असली भगवान मैं हूं। आज तो कलयुग है, कलयुग में कितने नकली भगवान घूम रहे हैं आप देखो, दुनिया में पेपर पत्रिका में टीवी में पता चल जाए, कितने लोग अपने को भगवान घोषित करके अपनी पूजा कराने में लगे हुए हैं कि लोग मेरी पूजा करें मुझको भगवान मानना। पौंड्रक भी अपने को भगवान कहता था और नकली दो भुजाएं लगा करके, नकली शंख चक्र धारण करके घूमता था, पीतांबर पहन करके, मोर मुकुट लगा करके, और उसके चापलूस लोग जो थे वो सब उसकी प्रशंसा करते थे, हाँ तुम एकदम भगवान जैसे लगते हो, तुम ही तो हो असली भगवान, वो तो नकली है। ये चापलूस लोग भी बड़े खतरनाक होते थे, और जितने ये नकली भगवान आजकल घूम रहे हैं कलयुग में, जो सबको सबका काम बना रहे हैं चमत्कार दिखा करके, समोसा खा लो कृपा हो जाएगी, टिकिया खा लो कृपा हो जाएगी, सब देखते ही हो आप लोग, हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं, अनुभव करते हो, वो सब वहां बोलने वाले उनके चापलूस रहते हैं, उसी में से उन्हीं का एक आदमी उठ करके खड़ा होगा और कहेगा महाराज पिछले सत्संग में हम आए थे और आपकी कृपा हुई, मेरा ये काम बन गया,
अब टीवी में बैठा हुआ जो व्यक्ति देख रहा है दूर, टीवी में कोई देख रहा है अपने घर में, तो उसको तो लगेगा अरे इतना चमत्कार, हमको भी चलना चाहिए। 5,000 का टिकट लेकर के, पास लेकर के वो जाएगा, बैठेगा, कहानी सुनेगा, चलाएगा। कहते हैं कि अंधे के गांव में भैंस ब्याई, अंधों का ही गांव था, अंधे के घर में भैंस ब्याई, तो अब दूध पीने वालों को क्या कमी है, जो आवे वही दूह के चला जाए, वो तो देखा ही नहीं पावे, अंधा था। उसी प्रकार से जो धर्मांध हो गए, ऐसे धर्मांध को लूटने के लिए ऐसे ठग लोग दुनिया में पैदा होते रहते। ये उनकी कमी नहीं, हमारी आपकी कमी है कि हमारे अज्ञान के कारण धर्म के नाम पर लोग बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं। उनको लगता है इस चमत्कार से मेरा सारा काम बन जाएगा, कहीं कुछ नहीं, वे चापलूस लोग ही उनको भगवान घोषित करते हैं और महिमा मंडित करते हैं, और अज्ञानी लोग उन्हें भगवान समझकर, चमत्कारी समझकर उनके अनुयायी बन जाते हैं और अपना धन और धर्म दोनों गंवा बैठते हैं। इन कथाओं को सुनकर के ये सब समझना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं। पौंड्रक अपने को भगवान कहता था, मैं भगवान हूं। एक दिन पौंड्रक ने द्वारिका में सूचना भेज दी कि द्वारिकाधीश, तुम अपने को भगवान कहना बंद कर दो, असली भगवान मैं हूं, और ये चक्र धारण करना छोड़ दो, तुम भगवान नहीं हो। ये पत्र जब पहुंचा द्वारिका में, द्वारिका के सभा में इसकी चर्चा हुई, तो द्वारिका के जितने वीर थे वे सारे वीर उठ करके खड़े हुए, अपनी तलवारें भांजने लगे, और उन वीरों ने कहा, महाराज आज्ञा दें, आज ही मैं पौंड्रक को मार करके आता हूं। इसकी इतनी हिम्मत, उसने भगवान वासुदेव को, हमारे द्वारिकाधीश को अपमानित किया, इसका प्रतिकार होना चाहिए। फिर तो भगवान ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं, इसका प्रतिकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण चल पड़े, पौंड्रक यहां पहुंचे, पौंड्रक को भगवान ने ललकारा, पौंड्रक सामने आया युद्ध करने के लिए। भगवान ने हंसते हुए कहा, पौंड्रक तुमने कहा कि हे वासुदेव, अब तुम चक्र धारण करना छोड़ दो, क्योंकि असली भगवान मैं हूं, तो लो मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं, अगर तुम असली भगवान हो तो इसे संभाल लेना। ऐसा कह करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। अब वो पौंड्रक बेचारा क्या करता, वो नकली चक्र लगा करके घूमता था, जैसे रामलीला में, रासलीला में सब करते हैं नाटक, ऐसे ही कुछ अपना नकली बना करके घुमाता उमाता था। लेकिन भगवान का जब असली चक्र प्रकट हुआ तो उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया, भगवान ने पौंड्रक का वध किया। उसी का एक मित्र था काशी नरेश, काशी नरेश भी युद्ध करने के लिए आ गए पौंड्रक के तरफ से, काशी नरेश को भी भगवान ने मार डाला। मारने के बाद काशी नरेश के सिर को उठा करके भगवान ने काशी में फेंक दिया। उसके महल के द्वार पर जाकर के जब सिर गिरा तो काशी नरेश के पुत्रों ने ब्राह्मणों को बुला करके तांत्रिक यज्ञ करवाया भगवान कृष्ण को मारने के लिए। मंत्र के प्रभाव से वो कृत्या भगवान कृष्ण की ओर चल पड़ी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को समाप्त कर दिया और सुदर्शन चक्र काशी की ओर चल पड़ा। काशी की ओर भगवान का जब सुदर्शन चक्र चला तो भगवान शंकर ने भगवती पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा, देवी अब चलो यहां से, क्यों? अरे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ रहा है और काशी का वो दाह करेगा, पूरी काशी जल करके राख हो जाएगी, इसलिए यहां रुकना ठीक नहीं है, यहां से तो चलना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और काशी छोड़ करके चले गए। निन्ने बन्ने व काशी दवसिख जटिल ज्योतिषाये न दाहम कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा। भगवान शंकर पर्वत की बेटी पार्वती, अद्र की पत्नी व अद्र की बेटी पार्वती को लेकर भगवान शंकर काशी छोड़ करके चले गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को, वाराणसी को जला करके दग्ध कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनम्। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया। बाद में भगवान शंकर ने आकर के भगवान की स्तुति की
और काशी में भगवान की पूजा की है भगवान शंकर ने, भगवान आदि केशव की। इस प्रकार से भगवान ने काशी का दाह किया। इसके बाद कथा आती है कि दुर्योधन ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, उसकी बेटी का नाम लक्ष्मणा था। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब पहुंच गए। ये सांब जाम्बवती के पुत्र हैं, जामवंत जी की बेटी से जो भगवान का विवाह हुआ उनसे जो पुत्र हुए उनका नाम सांब था। सांब बड़े सुंदर, अपने समस्त भाइयों में सबसे सुंदर सांब था। इन्हीं सांब को ही कपड़ा पहनाकर, साड़ी ओड़ी पहना करके यदुकुल के बालकों ने स्त्री बना करके ऋषियों का उपहास किया था, और तब ऋषियों के साप के कारण यदुकुल का संहार हुआ था। यही सांब। सांब बड़े सुंदर थे। दुर्योधन की बेटी की स्वयंवर सभा में सांब पहुंच गए। सांब को देखकर दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ने उनका वरण कर लिया। सांब ने कहा अब हम लक्ष्मणा को ले जाएंगे। दुर्योधन ने कहा ये स्वयंवर, ये वरण मैं स्वीकार नहीं करता हूं। सांब ने कहा क्यों? दुर्योधन ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के पुत्र के साथ नहीं कर सकता। पहले से ही दुर्योधन के अंदर द्वेष भाव था। सांब ने कहा कुछ भी हो, आपकी बेटी ने वरण किया है, मैं ले जाऊंगा। दुर्योधन तो दुष्ट था। दुर्योधन ने अपने सेवकों से कहा इसको बंदी बना लो। सांब को बंदी बनाकर के कारागार में डाल दिया। भगवान के पुत्र, भगवान को मालूम है लेकिन भगवान छुड़ाने नहीं गए। कृष्ण भगवान क्यों नहीं गए? भगवान ने सोचा अगर मैं छुड़ाने जाऊंगा तो वहां युद्ध हो जाएगा, अगर युद्ध हुआ तो बलदाऊ भैया को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का चेला है। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया और बड़ा प्रिय शिष्य है बलराम जी का दुर्योधन, तो कहीं बलराम जी को बुरा न लग जाए इसलिए भगवान ने इस बात को वहीं छोड़ दिया। और भगवान ने सोचा इस समस्या का समाधान बलदाऊ भैया ही करें, मैं इस समस्या में नहीं पड़ूंगा। और ये बात जाकर के नारद जी ने बलराम जी से कह दी। नारद जी ने जाकर के थोड़ी नमक मिर्ची लगा करके कायदे से बलराम जी को समझाया, भगवान शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु का सम्मान करना, गुरु के कुल का सम्मान करना, गुरु के परिवार का सम्मान करना, और आपका चेला इतना उद्दंड हो गया कि आपके भतीजे को बंदी बना लिया, क्या ये आपका अपमान नहीं है? अब तो बलराम जी को आया गुस्सा। बलराम जी ने कहा क्या हुआ? नारद जी ने सारी कहानी बताई। अब तो बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और चल पड़े। बोले दुर्योधन की इतनी हिम्मत, मेरे भतीजे को बंदी बना लिया, चलते हैं। बलराम जी पहुंचे और बलराम जी ने दुर्योधन से कहा कहां है सांब और कहां है मेरी पुत्र वधू, दोनों को विदा करो, हम लेने आए हैं। दुर्योधन ने कहा गुरु जी कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के पुत्र के साथ नहीं कर सकता। इतना कहना था कि बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने कहा अच्छा, तुम्हारी इतनी मजाल, आज ही मैं तुम्हारी हस्तिनापुरी को समाप्त कर देता हूं। बलराम जी ने अपना हल उठाया और हस्तिनापुर के एक कोने पर ऐसे अटकाया, शेषावतार है महाराज, संकर्षण है, इनके लिए क्या असंभव। बलराम जी ने कहा आज ही मैं तुम्हारी हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में बहा दूंगा। और ऐसा कह करके अपने हल को लगा करके थोड़ा सा इशारा किया, परिणाम बोले बड़े बड़े प्रासाद जो थे उनके जो शिखर थे धड़ाम धड़ाम टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। अब तो दुर्योधन चिल्लाने लगा, दौड़ करके चरणों में गिर पड़ा, बोले गुरुदेव क्षमा करो। बलराम जी ने कहा मैं तुम्हारी सारी हस्तिनापुरी को आज ही खोद करके फेंक दूंगा गंगा जी में, बहा दूंगा। बलराम ने आकर के दुर्योधन ने आकर के चरणों में क्षमा मांगी। फिर तो दुर्योधन ने कहा अब तो विदा कर देने में ही बुद्धिमानी। फिर दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा को सांब के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के
अनेक अनेक दिव्य चरित्र सुखदेव जी ने सुनाए हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। आज तो अंतिम सत्र है, कितना हम आपको बताएं, केवल हम सूत्र बता रहे हैं, विस्तार करने का समय ही नहीं। एक दिन देवर्षि नारद के मन में हुआ कि चलो चल करके देखते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में कैसे रहते होंगे। 16108 उनकी रानियां हैं, एक एक मिनट भी अगर वो अपनी पत्नी को दें तब भी 24 घंटे में 16108 पत्नियों से वो मिल नहीं सकते, उनका कुशल क्षेम नहीं पूछ सकते, क्योंकि 24 घंटे में कितना मिनट होता है, बोले 60×24 बराबर जितना होता। एक एक मिनट भी समय अगर भगवान दें फिर भी 16108 पत्नियों से वो मिल नहीं सकते, तो उनकी पत्नियां उनसे कैसे प्रसन्न रहती हैं, उनका कुशल समाचार भगवान कैसे लेते हैं, क्या होता होगा द्वारिका में, ये जानने के लिए देवर्षि नारद आए। और देवर्षि नारद रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। भगवान की जितनी रानियां थी सबके महल अलग अलग थे, ये नहीं था कि सब एक महल में रहते, सबके अपने अपने महल, अपनी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था, अपने अपने नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं। भगवान कहां रहते थे, बोले भगवान का कोई अलग महल नहीं था, सब महल में वही रहते थे, जहां वो प्रकट हो जाए उनके लिए क्या संभव था। नारद जी रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे तो देखते क्या है, भगवान रुक्मिणी जी के साथ अपनी यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं और भगवान अग्निहोत्र कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। भगवान को और रुक्मिणी को प्रणाम करके नारद जी वहां से चले सत्यभामा जी के महल में पहुंचे, देखें यहां क्या स्थिति है। तो वहां जब पहुंचे नारद जी तो देखते क्या है, ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी हुई है भोजन करने के लिए, सत्यभामा जी पूरी मालपुआ ला ला करके दे रही हैं और भगवान परोस परोस खिला रहे हैं। नारद जी ने कहा यहां भी भगवान। वहां से आगे बढ़े, जाम्बवती के महल में पहुंचे तो जाम्बवती के महल में क्या देखते हैं कि ब्राह्मण लोग संत लोग खड़े हैं और भगवान श्याम सुंदर स्वर्ण मुद्राओं का दान कर रहे हैं और जाम्बवती ला ला करके भगवान को दे रही हैं। वहां भी भगवान को देखा। कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, कालिंदी के पुत्र को गोद में लेकर के भगवान खिला रहे थे और पति पत्नी दोनों बैठ करके आपस में हास परिहास कर रहे थे। देवर्षि नारद ने वहां भी भगवान को प्रणाम किया, आगे चल पड़े। पांचवें महल में पहुंचे तो वहां भी देखते हैं कि भगवान स्नान करने के लिए अपने स्नान घर की ओर जा रहे हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं देवी जल्दी मेरे वस्त्रों को लाओ, आज मुझे विलंब हो गया, मुझे अमुक जगह जाना है, ये काम है वो काम है। जहां भी नारद जी जिस महल में जाते वहीं भगवान को कुछ न कुछ करते हुए देखे। अंत में नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु, अनेक रूप धारण करके एक साथ ऐसी विविध लीला करने वाले भगवान ही हो सकते। और भी भगवान की अनेक दिव्य लीलाएं हैं। भगवान ने सुदामा जैसे ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। सुदामा जी की कथा तो आपको प्रसिद्ध ही है, मालूम ही है। सुदामा जी बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, दरिद्र नहीं थे। लोग कहते हैं सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी तपस्वी थे। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के सारे गुणों का वर्णन एक श्लोक में सुखदेव जी ने किया। सुदामा जी कौन थे, बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कृष्ण भगवान के सखा थे, ब्राह्मण थे, और केवल जाति के ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित् अर्थात ब्रह्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले जो विद्वान ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जो अर्थ है अर्थात इंद्रियों से जिस विषय को सुख को हम भोगते हैं उन सुखों से वो विरक्त थे, इंद्रियों के सुख में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, और परम शांत आत्मा थे, कहीं उनके जीवन में अशांति नहीं थी।
हाय तोबा नहीं थी, हाय हाय नहीं थी कि हमारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं, तो कुछ करें, लूट मचावे, कुछ करें, कोई उपाय करें। बोले ना, परम शांत संतुष्ट, जिसके जीवन में संतोष होगा उसी के जीवन में शांति होगी। जीवन में संतोष नहीं होगा तो शांति नहीं आ सकती। सुदामा जी के जीवन में इतना संतोष था, इसीलिए कहते हैं प्रशांत आत्मा। सुखदेव जी प्रशांत आत्मा, ओ सुदामा जी प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया, और अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा था। कहते हैं दरिद्र थे, दरिद्र थे, कहते नहीं दरिद्र नहीं थे। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यदृक्षयोपपन्नेन, यदृक्षया उपपन्नेन प्राप्तेन, यदृक्षा माने भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा से उन्हें जो मिल जाता था उसी में वो प्रसन्न रहते। यदृक्षया उपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए। ये गृहाश्रमी कहने का मतलब, बोले गृहस्थ को बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। साधु महात्मा को तो कुछ न मिले तो चलो संतोष हो जाएगा, कुछ न हो दो रोटी मिल जाए और दो लंगोटी मिल जाए, इतने में जीवन कट सकता है। लेकिन गृहस्थ को तो बहुत जरूरी होती, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, इसलिए गृहस्थ को संसार की वस्तुओं की जरूरत होती है, उनके पास उसकी उपयोगिता है, आवश्यकता है। लेकिन सुदामा जी गृहस्थ होते हुए भी इतने विरक्त थे कि कभी किसी वस्तु की उनके एक मन में इच्छा ही नहीं होती, जो भगवान ने दे दिया उसी में प्रसन्न रहते। जबकि गृहस्थ को आवश्यकता होती है, लेकिन सुदामा जी को कभी यह नहीं लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं। तस्य भार्या कुचैलस्य छुनछामा च तथा विधा, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वरदेन सा बदनेन सा। सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, वो भी बड़ी पतिपरायणा थी, पतिव्रता थी, अपने पति के चरणों में समर्पित थी। जो कुछ मिल जाता उसी में उनकी पत्नी भी संतुष्ट रहती थी। कभी पत्नी ने ये नहीं कहा कि आप ये ले आओ, ये ले आओ, घर में ये चीज नहीं, आप कहीं से व्यवस्था करो। ये ब्राह्मणों के जीवन में जब इस प्रकार का संतोष था, ब्राह्मणों के जीवन में जब इस प्रकार की तपस्या थी, तब उन ब्राह्मणों का संसार में सर्वत्र आदर और सम्मान था। आज ब्राह्मणों का सम्मान क्यों समाप्त हो रहा, ब्राह्मणों का अपमान क्यों होता है? क्योंकि उनके जीवन में तपस्या नहीं रही, उनके जीवन में त्याग समाप्त हो गया। आज भी जिन ब्राह्मणों के अंदर त्याग और तप है, जिनके अंदर वैराग्य है, जो संसार के कल्याण के लिए केवल शास्त्र का स्वाध्याय और पठन पाठन करने में ही अपने जीवन का समय व्यतीत करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आज भी सम्मान है, आज भी लोग उनका आदर करते हैं और उनकी कृपा से लोगों का कल्याण होता है। खाली ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गए शर्मा जी, तिवारी जी और पांडे जी, तो बोले इतने से नहीं होगा, जीवन में तपस्या होनी चाहिए। तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण सदा अपनी तपस्या से बलवान होता है। उसके जीवन में अगर तपस्या नहीं है तो वो केवल नाम का ब्राह्मण है। उसको क्या कहते हैं? बोले उसको ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। शास्त्र में उस ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण हो, कर्म से ब्राह्मण न हो, ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हुआ, इसलिए जाति तो ब्राह्मण है उसकी, लेकिन कर्म ब्राह्मण का नहीं कर रहा है, संध्या वंदन नहीं करता, गायत्री का जप नहीं करता, यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, वेद का अध्ययन नहीं करता, तपस्या नहीं करता, तो वो ब्राह्मण क्या है? बोले वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण बंधु है। उसको ब्राह्मण बंधु कहा गया। ब्राह्मण बंधु माने वो ब्राह्मण जाति के नाम पर जी रहा है, बस वो दया का पात्र है, वो ब्राह्मण बंधु है। हमारे यहां तो किसी को अपशब्द भी कहा जाता है तो बड़े ही शालीन शब्दों में कहा जाता है। यही संस्कृत भाषा की विशेषता है, क्योंकि ये संस्कार संपन्न भाषा है।
संस्कृत भाषा का मतलब ही होता संस्कृत माने संस्कार संपन्न, जिसका संस्कार हुआ हो उसको कहते हैं संस्कृत। तो जो संस्कार संपन्न भाषा है इस भाषा में गाली नहीं है, इसीलिए दुनिया के सभी भाषा में आपको गालियां मिलेंगी। अपनी अपनी लोक भाषा में चाहे जो भाषा हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हर भाषा में लोग क्रोध में गालियां देते हैं और भद्दी गालियां, लेकिन संस्कृत के कोश में कहीं ऐसे गाली के कोई शब्द आपको नहीं मिलेंगे आज तक कहीं। क्यों बोले, संस्कार संपन्न भाषा, इस भाषा में गाली है ही नहीं। और अगर क्रोध में किसी को कुछ कहना भी है तो उसके लिए शब्द जो है कितने संस्कार युक्त शब्द है महाराज। किसी को अगर बहुत भी निंदनीय कहना है कि ये बहुत निंदनीय है तो क्या कहते हैं, बोले यही कहेंगे ये कुत्ता है। तो संस्कृत में कुत्ता भी नहीं सीधे सीधे कहेंगे, क्या कहेंगे, बोले ये ग्राम सिंह है। ग्राम सिंह माने गांव का शेर है, तो गांव का शेर कौन होता, बोले गांव का शेर कुत्ता ही होता है। दूसरे गांव में जाए तो पूंछ दबा करके भाग जाता है, अपने गांव में भूखता है। तो ग्राम सिंह का मतलब कुत्ता, तो किसी को कुत्ता भी कहना हो तो डायरेक्ट कुत्ता और कुक्कुर नहीं कहा जाता, उसको यही कहा जाता भाई ये तो ग्राम सिंह है। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को यही कहा था कि तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। जब हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने आया तो हिरण्याक्ष ने कहा, अरे जंगली सुअर, तुम्हारे जैसे जंगली सुअरों का तो मैं शिकार करता हूं। तो भगवान ने भी कहा, आओ आओ तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं भी ढूंढता रहता हूं। भाई जैसा वो प्रश्न किया वैसे जवाब देना था। तो इतनी संस्कार संपन्न भाषा यह संस्कृत भाषा। यहां किसी को अगर कहना हो कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है तो डायरेक्ट मूर्ख भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, कहते हैं देवानाम प्रिय, ये देवताओं को प्रिय। देवानाम प्रिय का मतलब होता मूर्ख, बोले जो देवताओं को प्रिय। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है हमारे। तो कितनी संस्कार संपन्न भाषा है, यहां तो ब्राह्मण को भी जो ब्राह्मण पतित हो जाए तो उसको कहते हैं ब्राह्मण बंधु, द्विज बंधु, वेद व्यास यही कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम तई न श्रुति गोचरा कर्म से यस मूढ़ा नाम कर्म एव भवेद। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है, बोले जिसके जीवन में तप हो, त्याग हो। ब्राह्मण के जीवन में वेद का अध्ययन करना, शास्त्र का अध्ययन करना, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य परम तप, वेदों का अभ्यास करना यही उसके जीवन का परम तप होना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम् क्षुद्र कामाय नेष्यते, तब किस लिए मिला है, कहते हैं कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये शरीर मिला है, इस शरीर से तप करो, ज्ञानार्जन करो, वेदों की रक्षा करो, वेद शास्त्र को पढ़ करके उसका विस्तार करो, जिससे धर्म का अभ्युदय हो, धर्म का विस्तार हो। सुदामा जी महाराज ऐसे ही ब्राह्मण, उनको कोई जरूरत नहीं थी, उनके पत्नी को भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चे एक दिन रो रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। सुदामा जी को तो दो दो दिन भोजन न मिले उनका काम चल जाता था, पत्नी भी रह लेती, लेकिन अब छोटे बच्चे तो भूख से तड़पते थे। एक दिन बच्चे तड़प रहे थे, भूख से रो रहे थे, कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, घर में कुछ था नहीं। सुदामा जी की पत्नी किसी प्रकार उन बच्चों को समझा करके, बहका करके, इधर उधर की बात कह करके भुलाना चाहती थी, लेकिन भूख कहां भूलेगी, भूख तो भूख होती। वो बच्चे जब रोने लगे तो पत्नी ने आकर के सुदामा जी से कहा, स्वामी मैं जानती हूं आपके जीवन में त्याग है, तप है, आपके चरणों में रह करके मैंने भी त्याग और तप की शिक्षा पाई है, लेकिन इन बच्चों की भूख हमसे देखी नहीं जाती, मैं क्या करूं। सुदामा जी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं किसी से कुछ मांग नहीं सकता। सुदामा जी जीवन में कभी किसी से कुछ मांगे नहीं, धन कमाना चाहते तो इतने बड़े विद्वान थे, किसी विद्यालय में अध्यापन करते तो उनको कितना वेतन मिल जाता, लेकिन सुदामा जी तो धर्म के मार्ग पर थे। मनुस्मृति उठा करके पढ़ लेना, मनुस्मृति में लिखा है
कि जो ब्राह्मण धन लेकर के पैसा लेकर के विद्या का दान करता है वो ब्राह्मण नरकगामी होता है। इसलिए ब्राह्मण कभी पैसा लेकर के विद्या नहीं दान करते, मुफ्त में पढ़ाते। आओ पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, बाद में तुम्हारी जो इच्छा होगी श्रद्धा से दे देना वो अलग विषय है, लेकिन कभी ब्राह्मण किसी से शुल्क लेकर के विद्या का दान नहीं करते। जो ब्राह्मण शुल्क लेकर के अध्यापन करता है वो उपपातक के अंतर्गत उसे माना गया। सुदामा जी महाराज कभी किसी से पैसा भी नहीं लेते, दान भी नहीं लेते, कोई अपने से दे दे तो ले लेते, मांगने नहीं जाते। खेती भी नहीं कर सकते थे, क्यों बोले ब्राह्मण को खेती करने का भी निषेध है शास्त्र में, वो खेती भी नहीं कर सकता। सोचो इतनी तपस्या जिसके जीवन में हो। सुदामा जी महाराज ने कहा मैं क्या करूं, मैं खेती कर नहीं सकता, किसी के दरवाजे पर मांगने जा नहीं सकता, बच्चों को मैं विद्या दान करता हूं तो विद्या दान के बदले में उनसे मैं कुछ मांग नहीं सकता, मैं क्या ले आऊं, कहां से लाऊं। तब सुदामा जी की पत्नी ने कहा आप किसी से मत मांगो और न किसी से शुल्क लो, आप केवल एक बार मेरी बात मान लो। बोले क्या मान ले। सुदामा जी की पत्नी ने कहा एक बार आप द्वारिका चले जाओ, बस कृष्ण का दर्शन करके चले आओ, द्वारिकाधीश से मिल करके चले आओ, बस उनकी कृपा हो जाएगी, कोई न कोई साधन बन जाएगा। बार बार पत्नी ने प्रेरणा दी, तब सुदामा जी जाने को तैयार हुए और चलते समय सुदामा जी ने कहा खाली हाथ जाना ठीक नहीं, क्या लेकर के जाऊं। सुदामा की पत्नी ने कहा मैं जाती हूं कुछ ले आती हूं। पड़ोस में जाकर के सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी से कहा, किसी गृहिणी से, हे देवी चार मुट्ठी चावल मुझे उधार दे दो, जब मेरे घर आएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। उधार मांग करके ले आई, भीख मांग करके नहीं ले आई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान, और वो चार मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए चल पड़े कृष्ण को उपहार देने के लिए। कृष्ण से मांगने नहीं जा रहे, कृष्ण को देने ही जा रहे, चल पड़े। द्वारिका जब पहुंचे भगवान को पता चला, भगवान ने सुदामा जी को दौड़ करके हृदय से लगा लिया, आदर पूर्वक लेकर के अपने महल में गए, अपने पलंग पर बैठाया, जिस पलंग पर भगवान विराजमान होते थे अपने पर्यंक पर सुदामा जी को विराजमान किया और स्वयं नीचे बैठकर सुदामा जी का चरण धोने लगे। इस दृश्य को देख करके रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी जी देख करके नाक सिकोड़ने लगी, कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस अवधूत ने, इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया था कि योसौ त्रिलोक गुरुणा, जो त्रिलोकी के स्वामी है वो इसका चरण धो रहे। श्रीनिवास न संभ्रत, जो श्रीनिवास है लक्ष्मी के निकेतन है वे भगवान इसका चरण धो रहे। और दूसरी बात, बोले सुदामा जी तो मैले कुचैले थे, जूता चप्पल भी नहीं था, नंगे पांव आए थे, पैर में मिट्टी लगी थी, धूल लगी थी, कपड़े भी जो शरीर पर थे वो भी फटे गंदे, और सुदामा जी को भगवान ने जब अपने पर्यंक पर बैठा दिया, दूध के समान धवल पर्यंक, भगवान का निज महल का निज कक्ष, जहां पर ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जा सकते थे, जहां ब्रह्मा और इंद्र की भी गति नहीं हो सकती, उस अंतःपुर में अपने पर्यंक पर सुदामा जी को भगवान ने जब बैठाया तो रुक्मिणी जी नाक सिकोड़ने लगी, कहां से इस गंदे आदमी को ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। अब तो जब रुक्मिणी जी नाक सिकोड़ने लगी तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा और देख करके इशारे इशारे में भगवान ने रुक्मिणी जी को समझा दिया। क्या समझाया, कहते हैं ना कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इशारे में ही भगवान ने समझा दिया। क्या समझाया, बोले रुक्मिणी जी को इशारे में ही कह दिया देवी, वो दिन भूल गई,
एक ब्राह्मण ही तुम्हारे पत्र को लेकर के मेरे पास आया था। अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपनी जान की बाजी लगा करके तुम्हारा पत्र मुझ तक पहुंचाया, तब आज तुम द्वारिका की पटरानी हो, नहीं तो नौकरानी भी नहीं बन सकती थी। और आज एक ब्राह्मण का मैं सम्मान कर रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है? ये ब्राह्मण की ही कृपा है कि तुम आज द्वारिका की पटरानी हो, अन्यथा पटरानी न बन पाती। रुक्मिणी जी सब कुछ समझ गई और फिर रुक्मिणी जी ने स्वयं दौड़ दौड़ कर एक एक वस्तु ला करके भगवान को दिया है। भगवान ने सुदामा जी का चरण प्रक्षालन किया, पूजन किया, हाल समाचार पूछा। फिर सुदामा जी से पूछा, मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा? सुदामा जी वो चार मुट्ठी चावल छिपाने लगे, भगवान ने दौड़ करके वो चावल छीन लिया। सुदामा जी अपनी गठरी को छिपा रहे थे, भगवान ने लपक करके वो गठरी छीन ली, गठरी फट गई, चावल सब बिखर गया। उस चावल पर भगवान टूट पड़े, चावल को बटोर करके उस कच्चे चावल को लेकर के भगवान खाने लगे। रुक्मिणी जी इस दृश्य को देख रही थी। सुखदेव जी कहते हैं, इति मुष्टिम सकृत जग्भा द्वितीयाम जगदुमादधे। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे तब तक रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिन। रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, श्याम सुंदर, हे प्रभो, ये ब्राह्मण के घर से आया हुआ जो अन्न है, ये अन्न नहीं है, ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है, प्रसाद है। और एक मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया और आपके पीछे 16,108 रानियां हैं, अब इतना छोड़ दो, कम से कम थोड़ा हमको भी तो मिल जाए, हम लोग भी तो इन ब्राह्मण की कृपा प्राप्त कर लें, इनका आशीर्वाद मिले। इस भाव से रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, भगवान ने छोड़ दिया। फिर वो तीन मुट्ठी चावल जो बचे थे उसको रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में उठा लिया और उसके एक एक कण 16,108 भगवान की जो पत्नियां सबको प्राप्त हुआ। सुदामा जी के द्वारा लाए हुए उस तंडुल से भगवान नारायण श्री कृष्ण और उनकी 108 पटरानियां तृप्त हो गई। ये भगवान कृष्ण की 108 रानियां कौन हैं? बोले, सब लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, भगवती महालक्ष्मी के ही विविध रूप हैं, अनेक रूपों में भगवती महालक्ष्मी लीला में प्रकट है। उन सब के घर में वो चावल पहुंच गया एक एक कण। अब तो भगवान की सभी पत्नियों ने कहा, इस ब्राह्मण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ा, भगवान की पटरानियों ने ही सारी व्यवस्था कर दी और सुदामा जी को भी नहीं पता चला। सुदामा जी अपने घर पहुंचते उसके पहले ही सुदामा जी के यहाँ सब वैभव प्रकट हो गए। रुक्मिणी को, सत्यभामा को कुछ करना थोड़ी था, उनको तो केवल संकल्प करना था, महालक्ष्मी है, उनके संकल्प से क्या संभव नहीं। सुदामा जी के घर सब कुछ वैभव प्रकट हो गया। सुदामा जी द्वारिका से जब विदा होने लगे तो भगवान ने सुदामा जी को बड़े प्रेम से विदा कर दिया, जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही विदा कर दिया। भोजन वोजन खूब कराया, सम्मान किया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, आत्मीयता दिखाई, बड़े ही आत्मीय वचन सुनाए भगवान ने। लेकिन चलते समय सुदामा जी को भगवान ने एक फूटी कौड़ी भी अपने हाथ से नहीं दी, जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही विदा किया, एक धोती भी नहीं दी महाराज कि चलो धोती फटी है धोती बदलवा दें इनको, है ना, जैसे आए थे वैसे विदा किया। क्यों? बोले, भगवान जानते हैं सुदामा मेरे मित्र हैं, मैं इनको दूंगा तो इनको संकोच होगा और मैं अपने मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहता। सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में सुदामा जी सोचते जा रहे हैं, क्या कृष्ण का स्वभाव है, कितनी आत्मीयता उन्होंने दी, कितना मेरा सम्मान किया। यही सब स्मरण करते हुए सुदामा जी लौट करके अपने घर पहुंचते। घर पहुंचे तो देखते हैं वहां सब साज सज्जा महल बन गया, सारी दिव्य व्यवस्था हो गई। महाराज, सुदामा जी को समझने में देर नहीं लगी, सुदामा जी जान गए ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, उनकी इच्छा से सब कुछ संभव है। फिर तो सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, अब तो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, अब तुम अपने बच्चों के साथ खूब आनंद से रहो, भजन करो और मुझे भी छोड़ो, मैं निश्चिंत होकर के ठाकुर का भजन करूं।
फिर तो सुदामा जी महाराज उसी प्रकार भगवान के भजन में लगे रहते। इतना वैभव होने के बाद भी सुदामा जी के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये नहीं कि अब राजकाज हो गया, सारी व्यवस्था हो गई तो वो आनंद करें, ना। सुदामा जी अपनी उसी त्याग वृत्ति में, उसी तपस्या में रहते थे। उनकी दिनचर्या वही थी, वही व्रत, वही नियम, वही अनुष्ठान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुदामा जी अपने तपों में जीवन में ही रहे और भगवान की कृपा से सुदामा जी के परिवार को सब कुछ प्राप्त हो गया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। उसके बाद भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है, ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके। कथा आती है कि एक दिन सांब को भगवान कृष्ण के पुत्रों ने स्त्री वेश में सजाकर पेट के ऊपर कपड़ा उपड़ा रखकर ऊंचा कर दिया, जैसे गर्भवती स्त्री का पेट होता है, और घूंघट आगे करके सांब को सजा करके सब बच्चे लेकर के गए। महर्षि लोग बैठ करके सत्संग कर रहे थे, वहां जाकर के कहा, महाराज ये मेरे घर की बहू है और गर्भवती है, तो इसे जो संतान होगी वो बेटा होगा कि बेटी होगी। इतनी बड़ी मजाक भगवान कृष्ण के पुत्रों ने संतों से किया, ले जाकर के प्रणाम कराया। महात्माओं ने कहा अच्छा ठीक है। महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा कि भाई बेटा होगा कि बेटी, बता दें। लेकिन जब ध्यान लगा करके देखा तो उसके पेट में न बेटा था न बेटी थी, वहां तो कपड़ा था। अब तो महात्मा को क्रोध आया, उन ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, जनिष्यति वो मुसलम मुसलम कुलनाशनम, ये न बेटा पैदा करेगी न बेटी पैदा करेगी, इसके पेट से तो ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे खानदान का विनाश करेगा। ब्राह्मणों की तपस्या और उनके त्याग और उनके बल की तुम परीक्षा लेने आए थे, शाप दे। अब तो बच्चे डर गए, ज्यों ही सांब के कपड़े को खोला हटाया तो उसी कपड़े के बीच से इतना बड़ा मूसल गिरा, खट से नीचे मारा लोहे का। क्या करें, अब तो सब डर गए। उस मूसल को लेकर के गए उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन द्वारिका के राजा थे महाराज। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। द्वारिकापुरी में कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो तो वो समस्या भगवान कृष्ण के सामने आती थी और उसका समाधान होता था, और आज इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई, सारे कुल के विनाश का शाप हुआ, लेकिन वो समस्या कृष्ण के सामने नहीं गई। भगवान के पुत्रों ने वो मूसल ले जाकर के उग्रसेन के सामने रख दिया और कहा, महाराज ऐसे ऐसे शाप हुआ है, क्या करें। महाराज उग्रसेन कोई भी काम करते थे तो भगवान कृष्ण से सलाह लेते थे, आज उन्होंने सलाह भी नहीं ली और तुरंत उन्होंने निर्णय सुना दिया, ले जाओ इस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दो। एक मूसल क्या करेगा, इससे क्या होने वाला, बड़े हल्के में ले लिया, वो कहा ले जाओ घिस करके फेंक दो, काम खत्म। यदुवंशी लेकर के गए, उस मूसल को घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया। अंतिम टुकड़ा जो बचा, जो घिसने लायक नहीं था, कितना घिसते कुछ तो बची जाएगा, उसको ऐसे ही फेंक दिया। घिस करके उस मूसल को जो फेंका, समुद्र की लहरों से वो मूसल का अंश बह करके समुद्र के किनारे लग गया और उसी से ऐरक नाम की एक घास उत्पन्न हो गई। और जो अंतिम टुकड़ा बचा था उसको फेंक दिया, उसको एक बधिक ने उठा लिया। वो बड़ा पक्का लोहा था, वो बधिक ले गया, सोचा ये तो बड़ा पक्का लोहा है, इसको पीट पाट करके बाण के आगे लगा लें तो बाण बड़ा मजबूत हो जाएगा, शिकार करने में सुविधा होगी। उस लोहे को पीट करके वो बाण में लगा लिया बधिक, और बाकी जो मूसल का अंश था वो बह करके समुद्र के किनारे लगा, उससे ऐरक घास उत्पन्न हो गई। भगवान जान गए शाप हो गया है, अब तो विनाश तय है। ब्राह्मण लोग और सभी यदुवंशी प्रभासक क्षेत्र में आकर के अनुष्ठान करने लगे, किसी प्रकार का कोई अमंगल न हो। लेकिन भगवान जान गए कि इस अमंगल को कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। इधर सब प्रभासक क्षेत्र में आए, इधर श्री वसुदेव जी महाराज के पास देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद से वसुदेव जी महाराज ने अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान के प्रश्न किए। फिर नारद जी ने वसुदेव जी को नव योगेश्वर का संवाद बताया, ज्ञान विज्ञान की बातें बताई।
और इधर प्रभासक क्षेत्र में सब लोग एकत्रित हुए, अनुष्ठान पूजन चल रहा था और वहीं आपस में कुछ बाता कही हो गई और आपस में सब लड़ने लगे और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 56 करोड़ यदुवंशी सब आपस में ही लड़ने लगे। वहां शस्त्र लेकर के गए नहीं थे क्योंकि पूजा अनुष्ठान के लिए गए थे, तो लड़ाई कैसे हो, मारने के लिए उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके मारना शुरू किया। समुद्र के किनारे वही जम गई थी चार, उसी ऐरक घास से उठा उठा करके एक दूसरे को मारने लगे और ब्राह्मण के शाप का बल उस ऐरक वनस्पति में था। परिणाम बोले सब एक दूसरे को मार करके मर गए। भगवान ने भी अपने दारुक सारथी से कहा अब द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, तुम जाओ, जो लोग बचे हैं उनको लेकर के वहां से किसी प्रकार निकल जाओ। दारुक जाने को तैयार नहीं हुए लेकिन समझा करके भगवान ने विदा किया है। उद्धव को उपदेश दिया है, ज्ञान विज्ञान की बातें बताई। उद्धव जी ने अनेक प्रश्न किए, उन सारे प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। बलराम जी भी जान गए कि अब लीला का संवरण करने का समय आया है। बलराम जी कुछ नहीं बोले, सब लड़ रहे थे, बलराम जी ने कहा लड़ो मरो। बलराम जी चल पड़े जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए और अपने स्वरूप का स्मरण किया। बलराम जी के 1000 फण प्रकट हो गए शेष रूप और समुद्र में प्रवेश कर गए। समुद्र के माध्यम से श्री बलराम जी शेषावतार अपने पाताल लोक में चले गए। भगवान कृष्ण दूर जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सब लड़ाई झगड़ा सब चलता रहा अपना। वो बधिक जो लोहे के टुकड़े को बाण के आगे लगा करके रखा था वो शिकार खेलने के लिए निकला। दूर से भगवान के चरण को देखा तो उसको लगा कोई हिरण बैठा हुआ। उसने दूर से बाण का अनुसंधान किया, वो बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। ब्राह्मण के साप को सत्य करने के लिए भगवान ने उस बाण को स्वीकार किया। छिप करके उस व्याध ने भगवान को मारा। इस लीला के माध्यम से भगवान ने कर्म के गति के रहस्य को स्पष्ट किया कि देखो कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। पिछले अवतार में मैंने छिप करके बाली को मारा था तो उस कर्म का हिसाब होना चाहिए और उसका हिसाब यही है कि इस अवतार में मुझे भी कोई छिप करके मारे बधिक के समान, तभी उस कर्म का हिसाब हो। ये तो कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है और सब कर्म का हिसाब देना पड़ेगा हमको आपको, बचेगा कोई नहीं। कर्म की कितनी महत्ता है ये भगवान ने अपनी इस लीला से स्पष्ट किया। उस बधिक के बाण को निमित्त बनाया, बाण भगवान को क्या मारेगा, लेकिन ब्राह्मण के साप को सत्य करना था। वो बधिक दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में गिर करके रोने लगा, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपने वैकुंठ में भेज रहा हूं, तुमको मैं अपना वैकुंठ धाम प्रदान करूंगा। देवताओं ने कहा जिसने भगवान के चरणों में बाण मारा उसको वैकुंठ। भगवान ने कहा बाण मारते समय इसने ध्यान लगाया था। जिस लक्ष्य पर व्यक्ति बाण चलाता है पहले उस लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। भगवान कहते हैं इसने मेरे चरण को अपना लक्ष्य बनाया और मेरे चरणों को जो अपना लक्ष्य बना लेता है उसको तो वैकुंठ की ही प्राप्ति है, इसको भी मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा। भगवान ने उस व्याध को भी वैकुंठ प्रदान कर दिया और फिर उस बाण को निमित्त बना करके भगवान ने लीला संवरण की। महाराज भगवान का जो रथ खड़ा था, भगवान के जो आयुध थे वो सब अचानक गायब हो गए। भगवान का रथ, चट की आवाज हुई, एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, भगवान का गरुण ध्वज रथ अंतर्हित हो गया। भगवान के जितने आयुध थे सब आकाश में अंतर्हित हो गए और एक बिजली चमकी और तुरंत भगवान की ज्योति अंतर्हित हो गई। न भगवान का शरीर किसी को मिला, न उनके वस्त्र किसी को मिले, भगवान तो प्रकट होते हैं अंतर्हित हो जाते हैं। जैसे बिजली आकाश में चमकती है और फिर वहीं वो गायब हो जाती है। कुछ देर चमकती है, उसका प्रकाश होता है, अगले क्षण वो कहां गई, बोले जहां थी वहीं विलुप्त हो गई, वहीं वो अंतर्हित हो गई। उसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं, उनके प्रकाश से लोक आलोकित होता है और समय आने पर भगवान अपने प्रकाश को तिरोहित कर लेते। भगवान ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया, भगवान ने अपनी ज्योति को, अपने तेज को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। कृष्णावतार में लीला संवरण के पश्चात भगवान ने अपनी ज्योति को इसी ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया।
तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणम। अपनी ज्योति को भगवान ने भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार 125 वर्ष तक इस धरामंडल में प्रकट रूप में विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण ने विविध लीलाएं की हैं, जिन लीलाओं को सुन करके गा करके हम अपना मन अपना चित्त भगवान में तन्मय कर लेते। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को और भी अनेक बातें बताई और फिर अंत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन अब तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम क्या अनुभव करते हो? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे मन में अगर ये भय है कि मैं मरूंगा, इस बात को भूल जाओ, तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुम आत्मरूप हो। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि माम जहि। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम तो राजन मरिष्येति, हे राजन तुम मरोगे। अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो ये पशु बुद्धि है। व्यक्ति कभी नहीं मरता है, शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। अपने आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाए तो मरने का डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु नहीं समाप्त होगी, मृत्यु का डर समाप्त होगा। राजा परीक्षित को शाप हुआ और सातवें दिन महाराज परीक्षित को मरना पड़ा, शरीर छूटा। बोले तो सात दिन भागवत सुनने का फल क्या मिला राजा परीक्षित को? भाई सात दिन सुखदेव जैसे ज्ञानी ने कथा सुनाई, राजा परीक्षित को क्या मिला? तक्षक आया, तक्षक ने काटा और शरीर छूटा, जो कुछ होना था सब वही हुआ। तो फिर भागवत सुनने का फल क्या मिला राजा परीक्षित को? कहते हैं भागवत सुनने का फल राजा परीक्षित को यही मिला कि सात दिन पहले उनको जो मरने का डर था सातवें दिन तक समाप्त हो गया। ये भागवत मृत्यु के भय को समाप्त कर देती, मृत्यु को नहीं समाप्त करती। मृत्यु तो रहेगी, ये मृत्यु लोक है, लेकिन मृत्यु का जो भय हमारे अंदर है वो भय समाप्त हो गया। और मृत्यु के भय से हम मुक्त हो जाएं, यही सबसे बड़ी साधना है। हर आदमी डरा हुआ है, मृत्यु से सबको डर है, लेकिन जीवन में जिस दिन मृत्यु का डर निकल जाए फिर उसको जीने का जो आनंद मिलेगा उसका एक एक क्षण इतना विलक्षण होगा कि वही उसका अनुभव कर सकता है और उस आनंद का वो वर्णन कर सकता है। महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मैं निश्चिंत तो हूं क्योंकि आपने मेरे अज्ञान को नष्ट कर दिया। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपने करुणा करके मुझे उपदेश किया, अब मैं सिद्ध हो गया। आपने मुझे कथा नहीं सुनाई। राजा परीक्षित कहते हैं, आपने हमको कथा नहीं सुनाई। तब कहते हैं, श्रावितो यच्चमे साक्षात अनादि निधनो हरि ही। आपने साक्षात भगवान हरि को सुनाया, हरि की कथा सुनाई ना। कहते हैं, हरि को ही आपने सुनाया, अर्थात ये कथा ही भगवान। नाम रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये कहने के लिए भगवान का भगवान का भगवान का ऐसा कहते हैं, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला। लेकिन यथार्थ में भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, ये भगवान ही है, भगवान से इतर नहीं, भगवान से अलग नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। बोले किस प्रकार से? बोले जैसे समुद्र में कोई, समुद्र के तट पर कोई खड़ा हो और कोई व्यक्ति कहे क्या है, बोले ये समुद्र है। दूसरा व्यक्ति ने कहा ये समुद्र का जल है। तीसरा व्यक्ति कहे ये समुद्र की लहर है। तो समुद्र की लहर और समुद्र का जल और समुद्र यथार्थ में समुद्र ही है और कुछ नहीं है। लहर भी क्या है, बोले समुद्र है। समुद्र का जल क्या है, बोले समुद्र है। जल ही तो समुद्र है और समुद्र तो समुद्र है ही है।
लेकिन व्यवहार में हम कहते हैं समुद्र का जल, समुद्र की लहर, समुद्र। उसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, यथार्थ में भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान ही है, भगवान से अलग कुछ नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरि ही, आपने साक्षात भगवान को ही सुनाया है। इन शब्दों के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से भगवान ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हो चुके हैं, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं। सुखदेव जी उठे और उठ करके चल पड़े। जैसे सुखदेव जी आए थे उसी प्रकार चले गए। जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः, राजा परीक्षित ने उनकी पूजा की, चरणों में पुष्प अर्पण किया, प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते हुए मुनि मंडली के साथ चले गए। जैसे आए थे वैसे उठ के चले गए। राजा परीक्षित अपने स्थान पर बैठे रहे। 7 दिन बीत चुका था, तक्षक नाग आया। तक्षक नाग के मुख का स्पर्श होते ही राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म की ढेरी हो गया। आत्मा का उत्क्रमण हुआ, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, महाराज परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। ये कथा श्री सूत जी महाराज सोनकादि मुनियों को सुनाते हैं। इसके बाद कथा आती है, श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि मुनियों को पुराणों का नाम, उनकी श्लोक संख्या इत्यादि अनेक विषयों को बताया और अंत में इसी प्रसंग में जब पुराणों का नाम ले रहे थे तो मार्कंडेय पुराण का जब नाम लिया तो शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी को भगवान ने अपनी प्रलय लीला का दर्शन कराया था, वो कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को मार्कंडेय जी की कथा सुनाई। मार्कंडेय जी की कथा क्या है? बोले मार्कंडेय जी ने भगवान से कहा, प्रभो मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, समय आएगा हम दिखा देंगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडेय जी ने सोचा कि भगवान जब अपनी माया का दर्शन कराएंगे तो पहले हमको बताएंगे, कहेंगे अब चलो माया का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन भगवान जब माया का दर्शन कराते हैं तो बता के थोड़ी कराते हैं। परीक्षा होती तो पहले से ही प्रश्न बता दिया जाए तो फिर परीक्षा किस बात की, वो तो गोपनीय रखा जाता। भगवान ने भी ऐसे किया। मार्कंडेय जी तो सोच रहे थे भगवान ने कहा है जब माया का दर्शन कराएंगे तो कराएंगे। तब तक भगवान के अंतर्धान होने के थोड़ी देर बाद अचानक वर्षा प्रारंभ हुई और फिर वो वर्षा होती ही रही, होती ही रही, होती रही, कई दिनों तक पानी बरसा, इतना बरसा कि सारी दुनिया डूब गई, प्रलय सब कुछ डूब गया, बह गया। मार्कंडेय जी उसी पानी में तैर रहे हैं, कहीं पैर खड़े होने की जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं, थक गए तैरते तैरते, कहां जाएं क्या करें। देखा उस पानी के बीच में, प्रलय के जल के बीच में एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष की डाली को पकड़ करके थोड़ा विश्राम करने लगे, थक गए तैरते तैरते। तब तक देखते क्या है कि उसी बट वृक्ष के पत्तों के बीच में एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है। जिस प्रलय में सब कुछ समाप्त हो गया उसमें एक बालक कैसे जीवित रह सकता है, यह असंभव। बोले यही तो भगवान दिखाना चाहते थे, सारी दुनिया के समाप्त हो जाने के बाद भी मेरी सत्ता रहती है और वो सारी दुनिया की सत्ता मेरे अंदर ही समाहित हो जाती है, यही तो प्रलय लीला है। मार्कंडेय जी महाराज उस बालक के सन्निकट गए। वो बालक कोई और नहीं, भगवान ही, बाल मुकुंद भगवान बालक बनकर के लेटे थे, अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख करके चूस रहे थे। तब तक मार्कंडेय जी जब पहुंचे तो भगवान ने अपना पैर का अंगूठा छोड़ दिया और जम्हाई ली। जम्हाई ली तो मार्कंडेय जी बाल मुकुंद भगवान के पेट में चले गए। पेट में गए तो भीतर देखते हैं, वहां भी अथाह जल, चारों तरफ संसार डूबा। फिर बाल मुकुंद भगवान ने जब सांस ली तो बाहर आए तो बाहर देखते हैं यहां भी प्रलय ही प्रलय। सब अब तो मार्कंडेय जी की बुद्धि घबरा गई, कहां जाए क्या करें, ये कैसी चमत्कार की लीला, चमत्कार पूर्ण लीला। 7 बार भीतर बाहर मार्कंडेय जी होते रहे। अंत में मार्कंडेय जी ने घबरा करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभो त्राहिमाम त्राहिमाम।
अगले ही क्षण वो सब कुछ अंतरहित हो गया, न कहीं प्रलय न कहीं पानी। मार्कंडे जी अपनी कुटिया में बैठे हैं चुपचाप। जैसे आंख बंद करने पर कुछ क्षण के लिए सारे दृश्य प्रकट हो जाएं और आंख खोलने के बाद कहीं कुछ नहीं, ऐसा ही अनुभव हुआ मार्कंडे जी को। तब मार्कंडे जी ने कहा, बस बस यही भगवान की लीला है, यही भगवान की माया है। माया का मतलब क्या है? बोले माया में दो अक्षर है, मा या माने जो और मा माने नहीं। जो नहीं है लेकिन फिर भी दिखाई पड़ जाए उसी का नाम माया है। माया, मा माने नहीं, या माने जो, जो सत्य नहीं है लेकिन दिखाई पड़े सत्य के समान प्रतीत हो उसी को माया कहते हैं। यही भगवान की माया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेदक है। भगवान की माया से ही भगवान के रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड पड़े रहते हैं। इस प्रकार भगवान ने मार्कंडे जी को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। अंत में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करके, इसकी परंपरा का वर्णन करके सुनाया। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भागवत का ज्ञान भगवान के द्वारा प्रवर्तित हुआ, इसीलिए इसका नाम भागवत है। इसे भागवत क्यों कहते हैं? कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम। जिस ज्ञान को भगवान ने प्रदान किया उस ज्ञान का नाम भागवत। भगवत के द्वारा अर्थात भगवान के द्वारा जो ज्ञान प्रवर्तित हुआ उस ज्ञान का नाम भागवत। सर्वप्रथम इस भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, फिर ब्रह्मा के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी के रूप में ये ज्ञान भगवान ने ही वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी के रूप में भगवान ने ही इस ज्ञान को राजा परीक्षित को सुनाया, और उसी समय सूत जी महाराज ने इस ज्ञान को श्रवण किया, और समय आने पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में ये कथा सुनाई, जो कथा हम आप श्रवण कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे। भगवान वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं, और ये दिव्य भागवत ज्ञान जो भगवान के द्वारा प्रवर्तित हुआ, इसके द्वारा सारे विश्व का मंगल होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा। अंत में श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मुनियों, पूरी भागवत सुन करके, समझ करके, पढ़ करके, अनुभव करके क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त करना है? कहते हैं इसका निष्कर्ष यही है कि अपनी कामनाओं का अंत कर दो, शमन कर दो, जीवन में कामनाएं समाप्त हो जाएं, और निष्काम भाव से भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो। मरने के बाद मुझे मुक्ति मिले इसकी भी कामना मत रखो। हाँ, ये मुक्ति की भी कामना, मोक्ष की भी कामना अगर हृदय में रहेगी तो भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। कहते हैं भोग और मोक्ष ये दोनों राक्षसी हैं। भोग और मोक्ष रूपी ये दो राक्षसियां जब तक रहेंगी तब तक तुमको भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत, भुक्ति की और मुक्ति की स्प्रिहा जब तक तुम्हारे अंदर रहेगी, पिशाची हृदय वर्तते, ये पिशाचिनी है, तब तक भक्ति का सुख नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से केवल यही प्रार्थना करो, हे प्रभो, न हमें संसार का भोग चाहिए, न हमें मुक्ति चाहिए, हमें आपके चरणों की केवल भक्ति चाहिए। कहीं भी हमारा जन्म हो, किसी भी जोनी में हम पैदा हों, हमारे कर्म हमें जहां ले जाएं, आपकी मर्जी से मैं जहां जाऊं, आपके चरणों की भक्ति हमें केवल प्राप्त हो, और कुछ नहीं चाहिए। यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभो, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। जहां कहीं भी हमारा जन्म हो, राम जी के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो।
और सदा हम भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, भगवान नाम संकीर्तन करते रहें, यही जीवन का सार है, यही भागवत सुनने का फल है। और अंत में सूत जी महाराज ने यही प्रार्थना भगवान से की है, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते। हे प्रभो, कहीं भी हमारा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसी आप कृपा करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिन प्रभु का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनः, जिनको प्रणाम करने पर सारे दुखों का समन हो जाता है। तम नमामि हरिम परम, ऐसे भगवान हरि को हम प्रणाम करते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, ऐसा कह करके श्री सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दिया है, भागवत जी की कथा को पूर्ण किया। तो भागवत के अंतिम इन दो श्लोकों का उच्चारण करके हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो और हमारा ये मानव जीवन आपके चरणों में समर्पित हो करके धन्य हो जाए, हमारा मानव बनना सफल हो जाए, हमारा मानव जीवन सफल हो जाए, जिसलिए हम मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लें। इस प्रार्थना से, इस भाव से भगवान के चरणों में हम लोग निवेदन करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग उसको दोहराएंगे और प्रार्थना करेंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति ही, भवे भवे यथा भक्ति ही, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा से 7 दिनों में हम सभी लोगों ने अपनी गति और मति के अनुकूल श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुशीलन किया, चिंतन किया। 7 दिनों में जो कुछ हम सभी लोगों ने अनुभव किया, श्रवण किया, इसको हम अपने जीवन में उतारें, इसको आचरण में ले आवें, यही सुनने का फल है, यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ी दक्षिणा है कि जो हमने श्रवण किया इसको हम अपने जीवन में आचरण में उतारें। कुछ भी अगर हमने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगलमय होगा, पवित्र होगा, दिव्य होगा। विशेष रूप से श्री मोहनलाल शर्मा जी को, राम खिलावन शर्मा जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हम साधुवाद देते हैं, व्यासपीठ से उनके लिए मंगल कामना करते हैं, जिन्होंने इस पवित्र कार्यक्रम को आयोजित किया। बड़े ही भाव से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से उन्होंने इस कार्यक्रम को सम्पन्न किया। उनकी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप भगवान की कथा दिव्य और मंगलमय हुई और किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं हुआ। आनंद पूर्वक 7 दिनों तक हम सभी लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक भगवत रस का चिंतन किया, इस भगवत रस का पान किया। तो शर्मा परिवार के लिए, उनके समस्त परिजनों के लिए इस व्यासपीठ से हम मंगल कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि इसी प्रकार भगवान के चरणों की भक्ति दृढ़ हो, आगे जीवन में भगवान की कृपा बरसती रहे। और बाकी हमारे जितने श्रोता 7 दिनों तक समय देकर इस कथा को श्रवण करते रहे, उन सभी श्रोताओं के लिए मंगल कामना और सबके लिए ही आशीर्वाद कि भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। इस कथा का सत्र यहीं पूर्ण होता है। कल
श्रीमद् भागवत जी के इस अनुष्ठान की आहुतियां होंगी, यज्ञ का कार्यक्रम होगा और कल प्रसाद वितरण भी है मध्याह्न में। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि जिन लोगों ने कथा का प्रसाद ग्रहण किया है तो कथा के बाद भंडारा का प्रसाद भी ग्रहण करें, तभी कथा सुनने का फल होगा। आइए और सभी लोग आकर के कल यहाँ प्रसाद ग्रहण करिए और कल के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होइए। आज का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें, क्योंकि भगवान की कथा के अंत में कीर्तन की ही महिमा कही गई, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो बड़े ही भाव से भगवान नाम संकीर्तन, और जब तक संकीर्तन चलेगा तब तक हमारे यजमान मोहनलाल शर्मा जी और राम खिलावन शर्मा जी परिवार के सहित मंच पर आकर व्यासपीठ पर व्यासपीठ का पूजन करेंगे, भागवत जी का उत्तर पूजन करेंगे। तब तक संकीर्तन चलता रहेगा, उसके पश्चात भागवत जी की आरती, और आरती के पश्चात जिन भक्तों को व्यासपीठ को प्रणाम करने की इच्छा होगी उनको अवसर मिलेगा, उन्हें अवसर दिया जाएगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, 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 हरि हरि।
बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल कुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल कुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल कुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल भव पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं आरार्तिक्यं समर्पयामि जले शीतले कर्णम् आरार्तिक्यग्रहणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ॐ जज्ञेन यज्ञवयजन्तदेवास्तानि दर्भाणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओ